चलिए, तो लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा था और आप अपन उसी में कंटिन्यू करेंगे आगे चीजें। आज अपन पढ़ेंगे कार्य एवं ऊर्जा, वर्क एंड एनर्जी, हेडिंग डाल लीजिए कार्य एवं ऊर्जा। कार्य एवं ऊर्जा, ठीक है। क्या होता है कार्य से आप क्या समझते हो? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वर्क? कार्य की क्या परिभाषा होती है? कार्य क्या है? ठीक है, देखो कोई वस्तु है, फॉर एग्जांपल ये कोई ऑब्जेक्ट है। अब इसे आपको कहीं धकाना है, आपने इस पर बल लगाया, आगे की ओर आपने बल लगाया और आगे की ओर जब आप इसे ले जा रहे हो तो विस्थापित हो रहा है, ठीक है, और विस्थापित करके आपने इसे यहां तक लाकर खड़ा कर दिया। तो क्या होता है, जब किसी वस्तु को उसकी जगह से हटाने के लिए जिस दिशा में बल लगाया जाता है और वह वस्तु उसी दिशा में विस्थापित हो जाती है तो इस क्रिया को क्या कहा जाता है? कार्य कहा जाता है, ठीक है। तो ये होता है कार्य। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कार्य का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप लिख दोगे बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन, बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन, दिशा में विस्थापन, ये हो गया आपका कार्य, ठीक है। जैसे यहाँ पे मेज रखा है, हम इसे धकाएंगे तो आगे चल के वहां पहुंच जाएगा, है ना। तो ये हमने बल उस तरफ लगाया और उसी तरफ। अब आप कार, आपने एक घाटी पे कार खड़ी कर दी, कार को ऊपर धकाना है और कार नीचे आ रही है, तो क्या विस्थापन बल की दिशा में हो रहा है? तो आप कहोगे हमारे द्वारा कोई कार्य किया गया, हम तो ऊपर धका रहे थे और कार नीचे आ गई, तो वहां पर वो कार्य नहीं किया जाएगा। जिस दिशा में बल लग रहा है उसी दिशा में विस्थापित होना चाहिए। इन दैट सिचुएशन यू कैन से वर्क, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आप लिखो, इसका फॉर्मूला जरूर लिख लेना। फॉर्मूला मतलब ये जो अपन ने लिखा है बल गुणे विस्थापन, ठीक है, डब्ल्यू बराबर एफ इंटू डी कॉस थीटा। ये किसका फॉर्मूला है? कार्य का। कार्य को अपन कहते हैं वर्क, ठीक है, एफ इंटू डी कॉस थीटा। इस तरीके से आप इसका फॉर्मूला याद कर लेना, ये डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछ लेता है व्यापक। चल, यदि मान के चलो बल एवं बल की दिशा में जो विस्थापन है, बल और बल की दिशा में जो विस्थापन हो रहा है, उन दोनों के बीच का जो कोण बन रहा है वो जीरो डिग्री। बल एवं बल की दिशा में जो विस्थापन हो रहा है और उनके बीच में कितने डिग्री का कोण बन रहा है? जीरो डिग्री का कोण बन रहा है। तो आप क्या कहोगे, आपके द्वारा कितना जो है कार्य किया गया? तो कार्य का मान क्या होगा, अधिकतम होगा या निम्नतम होगा? जीरो डिग्री। जीरो डिग्री का कोण बन रहा है यदि कार्य और बल के विस्थापन की दिशा में, तो आपके द्वारा किया गया कार्य अधिकतम होगा, ठीक है। ये पॉइंट लिखना है, यदि जीरो डिग्री का कोण बन रहा है बल और बल की विस्थापन की दिशा में, तो आपके द्वारा किया गया कार्य क्या है? अधिकतम है, मैक्सिमम वर्क किया गया आपके द्वारा, ऐसा माना जाता है, ये साइंस का नियम है। अगला आप इसमें याद रखना, बल एवं बल की दिशा के बीच में यदि विस्थापन का कोण कितना बन रहा है? 90 डिग्री का कोण बन रहा है। 90 डिग्री मतलब ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो क्या कहोगे, आपके द्वारा किया गया कार्य क्या है? न्यूनतम होगा या अधिकतम, मैक्सिमम या मिनिमम? याद रखना मिनिमम होगा, ठीक है। तो सीधी सी बात याद रख लो, रख लो, जीरो डिग्री का यदि कोण बन रहा है तो मान अधिकतम होगा, 90 डिग्री का यदि कोण बन रहा है तो मान क्या होगा? न्यूनतम होगा, मिनिमम होगा। इसमें कोई डाउट है? रटना है बिल्कुल इसे। चलो, तो ये होता है कार्य। अब हम बात करते हैं कार्य की प्रकृति, तो नेचर ऑफ वर्क। तो आप जानते हो बेसिकली कार्य कितने प्रकार का हो सकता है, एक तो पॉजिटिव हो सकता है ना, पॉजिटिव, और दूसरा हो सकता है नेगेटिव, मतलब धनात्मक और ऋणात्मक। इसके अलावा क्या हो सकता है? शून्य हो सकता है। कार्य शून्य हो सकता है क्या? तो इसमें प्रकृति में लिखना कार्य क्या है, इसके दो प्रकार होंगे, एक तो ये धनात्मक होगा पॉजिटिव, या फिर नेगेटिव। जैसे कार समतल सड़क पर खड़ी है, आप उसे धक्का रहे हो तो कार आगे बढ़ रही है पीछे से, तो धनात्मक कार्य हुआ। लेकिन कार ढलान पर खड़ी है, आप ऊपर की ओर धक्का रहे हो, कार पीछे की ओर आ रही है, तो क्या कहोगे, कार्य ऋणात्मक हुआ। कार खड़ी है, हैंड ब्रेक लगा हुआ है, आप धक्का रहे हो, कार कहीं नहीं जा रही है,
नीचे से, तो क्या होगा कार्य जीरो होगा ना। तो इस तरीके से कार्य की तीन प्रकृति हमने यहाँ पर देखी। तो वर्क है, इसके तीन टाइप के नेचर होते हैं, पॉजिटिव ठीक है और नेगेटिव और शून्य। चलो यहां तक हो गया, लिखते जा रहे हो। अब हम बात करेंगे अगला अपना है शक्ति। शक्ति क्या होती है? एनर्जी। आ जाइए भैया, शक्ति एनर्जी, एनर्जी से आप क्या समझते हैं? कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, लिख लो। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। वर्क रेट जो होता है दैट इज कॉल्ड पावर। कार्य करने की, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। ये पॉइंट लिख लो, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। शक्ति का मात्रक क्या माने जाते हैं? वेरी गुड। शक्ति का जो मात्रक है वो है वाट या वाट। तो शक्ति का मात्रक वाट है। ऐसा ही मात्रक इसका याद रखना। किस मीटर से आप इसे व्यक्त करते हो? तो आप जानते हो शक्ति बराबर, अरे यार आप लोग कितना वो करते हैं यार, शक्ति बराबर कार्य बटे समय। शक्ति बराबर कार्य बटे समय, ये पॉइंट आप याद रखना। चलो, तो शक्ति बराबर कार्य बटे समय। मात्रक क्या है इसका? शक्ति कार्य बटे समय या जूल प्रति सेकंड भी आप कह सकते हो। जूल प्रति सेकंड ये भी लिख लो, ये सब रखना है अपन को। जूल प्रति सेकंड ये याद रखना। तो जूल प्रति सेकंड कार्य प्रति समय से भी दर्शाते हैं और जूल प्रति सेकंड से भी दर्शाते हैं। शक्ति बराबर कार्य बटे समय, इसका मात्रक क्या होगा? जूल प्रति सेकंड होगा, ये पॉइंट याद रखना ठीक है। चलो, अब एक ऐसे ही आप पता है हॉर्स पावर अपन निकालते हैं। हॉर्स पावर अश्व शक्ति, अश्व शक्ति। तो एक अश्व शक्ति या एक हॉर्स पावर बराबर कितना होता है? 786 वॉट। अच्छा, पावर को हॉर्स पावर में क्यों नापते हैं? डॉग पावर में क्यों नहीं नापते? डंकी पावर में क्यों नहीं नापते? क्या कारण है कि हॉर्स पावर में ही नापते हैं, बताओ? क्योंकि जो घोड़ा होता है ना उसे पूर्ण नर माना जाता है, पूर्ण नर ठीक है। क्यों माना जाता है? उसके कई सारे रीजन। 786 ऐसे कहा जाता है कि महाभारत में अर्जुन भी पूर्ण नर था। 786 वॉट, तो एक हॉर्स पावर बराबर होता है 786 वॉट। ये जो भी इंजन है किसी भी चीज की आप ताकत का यदि अंदाजा लगाते हो किसमें कितनी शक्ति है तो वॉट में लगाते हो ठीक है। चलो, इसमें आप आगे लिखना, ये हो गया। अब एडिंग डालो ऊर्जा, अब एडिंग डालो ऊर्जा। तो हमने क्या क्या देखा? कार्य देखा, शक्ति देखा, हम देखेंगे ऊर्जा। लिखते जा रहे हैं साथ में, कितने समझदार हैं आप लोग। चलो, तो किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु की ऊर्जा कहते हैं, एनर्जी कहते हैं। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया? वर्क पढ़ लिया, पावर पढ़ लिया, हम पढ़ रहे हैं एनर्जी। ये तीन चीजें याद रखना। तो ऊर्जा क्या है? कार्य करने की क्षमता, किसी व्यक्ति द्वारा उसके कार्य करने की क्षमता को उसकी ऊर्जा कहते हैं। कोई मजदूर जिसमें 8 घंटे काम करता है, कोई 12 घंटे काम करता है, तो ये क्या है? ऊर्जा है ना, जिसमें जितनी देर तक एनर्जी रहेगी उतनी देर तक काम करेगा। कार्य करने में एनर्जी का खपत होती है। ऐसे ह्यूमन बॉडी में जो एनर्जी रहती है किस फॉर्म में रहती है? एटीपी के फॉर्म में रहती है। एटीपी का फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ठीक है। चलो, तो ये सारी चीजें याद रखना। तो ऊर्जा जो है, ऊर्जा के रूपांतरण द्वारा ही हम क्या कहते हैं कि कई चीजें आप देखने को मिलेगी, अभी हम चर्चा करेंगे। अच्छा, ऊर्जा एक सदिश राशि है या आदिश राशि है? सदिश, आदिश, पक्का सदिश हुई तो ठीक है। तो याद रखना, ऊर्जा एक अदिश राशि है, ऊर्जा एक अदिश राशि है, ये पॉइंट रख लो।
ऊर्जा अदिश राशि है, लिख लो। अब ऊर्जा का यदि फॉर्मूला आपसे पूछा जाए या आपसे पूछा जाए कि जो है इसका मात्रक क्या है, तो क्या आएगा मात्रक? जूल प्रति, देखो एनर्जी है ऊर्जा, अदिश राशि है, दशा की आवश्यकता होती नहीं है। मात्रक पूछा जाए बता देना, जूल प्रति अर्घ में मापी जाती है। किसमें? अर्घ में, जूल प्रति अर्घ, जिसका एसआई मात्रक जूल प्रति अर्घ है। अब ऊर्जा कई प्रकार की होती है, एक प्रकार की नहीं, ऊर्जा के कई प्रकार होते हैं, उस प्रकार के आधार पर हम देखते हैं टाइप्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो आपने कई टर्म सुने होंगे, जैसे काइनेटिक एनर्जी होती है, साउंड एनर्जी होती है, लाइट एनर्जी होती है ना, ध्वनि ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा। तो ये लिखेंगे सबसे पहले ऊर्जा के प्रकार, तो लिखो काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, साउंड एनर्जी ध्वनि ऊर्जा जिसे कहते हैं, लाइट या प्रकाश ऊर्जा। ठीक है, ये लिखते जाओ और लिख लो इसमें रासायनिक ऊर्जा, केमिकल एनर्जी, रासायनिक ऊर्जा सबसे महत्वपूर्ण, नाभिकीय ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी, नाभिकीय ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, हीटिंग एनर्जी, हीट एनर्जी ऊष्मीय ऊर्जा, तो ये सब ऊर्जा के प्रकार। यांत्रिक ऊर्जा, लिख लिया? अब एडिंग डालो यांत्रिक ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी। यांत्रिक ऊर्जा, देखो यांत्रिक ऊर्जा क्या है, ऐसी ऊर्जा जो यांत्रिक क्रिया से आती है उसे यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। यांत्रिक ऊर्जा के हम यहां पर दो प्रकार पढ़ेंगे, एक गतिज और एक स्थितिज। ये स्टेबल रहती है और ये मोशन में रहती है, तो गतिज और स्थितिज दो प्रकार होते हैं यांत्रिक ऊर्जा के। आप समझेंगे ये कैसे कैसे आपको चीजें देखने को यहां पर मिलेंगी। तो सबसे पहले यांत्रिक ऊर्जा समझेगा क्या है, यांत्रिक क्रिया द्वारा जो ऊर्जा प्राप्त होती है वही यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है, दैट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट, देयर आर टू टाइप्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, एक तो मोशन के बेस पर और एक उसके स्टेबिलिटी के बेस पर। यदि वो स्थाई है, स्थिर है, कोई मोशन नहीं है, तो स्थितिज ऊर्जा है, और यदि मोशन में है तो हम कहेंगे गतिज ऊर्जा या गतिज उसमें। चलो, तो यहां पर सबसे पहले गतिज ऊर्जा हेडिंग डालो गतिज। तो सीधी सी बात है, यदि किसी वस्तु में गति के कारण काम करने की क्षमता आ जाती है तो उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु में गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता आती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। गति के कारण जो कार्य करने की क्षमता आती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक, अब पहली बात तो एक चीज याद रखना कि गतिज ऊर्जा जो है वो हमेशा धनात्मक होगी, हमेशा ये धनात्मक होगी, पॉजिटिव होगी, ना कि नेगेटिव हो सकती है। गतिज ऊर्जा हमेशा धनात्मक होती है। गतिज ऊर्जा क्या है, सदिश राशि है या अदिश? अदिश है या सदिश होगी, बताओ? याद रखना अदिश है। गति के लिए आपको कोई दिशा बताने की आवश्यकता नहीं है, तो ये अदिश राशि कही जाती है। ठीक है, मतलब अदिश राशि है। इसमें अगला पॉइंट आप याद रखना कि देखो, मान के चलो कि कोई ऐसी वस्तु है, वस्तु का हम द्रव्यमान किससे याद करते हैं, उसका फॉर्मूला निकालते हैं एम, और यदि वो गति कर रही है मोशन में तो उसे हम कहते हैं वी, वेग। तो उसकी वेलोसिटी के बेस पर उसे हम कहते हैं वी से मानते हैं वेग। ठीक, तो यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान एम है और वो वी वेग से चल रही है, किस वेग से? वी वेग से चल रही है, तो हम कहते हैं गतिज ऊर्जा क्या निकलेगी, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी निकलती है बराबर हाफ
एम बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है गतिज ऊर्जा का। यदि तो यहां पर एम क्या है, वस्तु का द्रव्यमान, और वी क्या है, वस्तु का वेग। यदि कोई वस्तु m वेग से, m वस्तु की वस्तु, m m द्रव्यमान की कोई वस्तु v वेग से गति कर रही है तो उसकी आंतरिक ऊर्जा क्या होगी, हाफ एम बी स्क्वायर कहलाती है, फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूले से किसी वस्तु की गति निकाली जाती है, तो याद रखना। चलो मान के चलो आप छत पर हो, आपने छत से एक पत्थर उठाकर नीचे फेंका, अब वो पत्थर क्या मोशन में है ना, तो गति में है, तो उस गति में उसमें क्या है, एक एनर्जी है, उसको क्या कहते हैं, गतिक ऊर्जा, है ना। कार चल रही है, कार में आप जब तक एक्सीलेटर खींच रहे, ठीक है, आपने उसे न्यूट्रल कर दिया, तब भी वो लड़क रही है, तो कैसे एनर्जी कार में लड़क रही है, उसमें कौन सी एनर्जी है, यांत्रिक ऊर्जा। ये पॉइंट याद रखना, ठीक है। आ जाइए, कोई पहिया घूम रहा है, घूमते हुए पहिए में कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है, वो भी गतिज, ठीक है। अगला, यदि मान के चलो आप मानते हो कि एक बॉल जा रही है ना, जब बॉलर बॉल कर रहा है और वहां पर स्टंप में जाकर बॉल लगती है, और बॉल जाकर स्टंप में लगती है, स्टंप बहुत दूर पीछे फिर जाता है, ये किस गति, किसके कारण होता है, काइनेटिक एनर्जी के कारण होता है, ठीक है। ये सारे एग्जाम्पल हैं जो आपसे पूछे जाते हैं, ठीक। चलो, बहती हवा, बहता पानी, इन सब में कौन सी एनर्जी है, सब में काइनेटिक एनर्जी। ग्रेविटी में कौन सी मतलब क्या, ग्रेविटी, ग्रेविटी पढ़ेंगे अभी, गुरुत्वाकर्षण तो हम चैप्टर स्टार्ट नहीं किया। नहीं, उसमें जैसे एनर्जी, जैसे बॉल अगर नीचे गिरे तो उसका सोर्स उसको नीचे खींच रहा है, हाँ, वो उसकी खुद की गति नहीं है, तो कौन सी ऊर्जा, उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है जिसके कारण उस पर काइनेटिक एनर्जी है। यदि कोई वस्तु नीचे गिर रही है, ऐसे एक पेड़ पर आम लगा हुआ है, ठीक है, अब उसमें आम क्या है, जड़त्व का नियम लगता है उस पर, एनर्जिया, मोशन ऑफ एनर्जी, हम गति, वो सारी चीजें हमने पढ़ ली, तो वो आम हवा चलती है, आम नीचे की ओर गिरता है, नीचे क्यों गिर रहा है, उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, नीचे आते समय उसमें कौन सी एनर्जी है, तो वो आपका होगी काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अलग अलग तरीके से डिफाइन होंगी चीजें। अगला है स्थितिज ऊर्जा, ठीक, मान के चलो स्थितिज ऊर्जा, बहुत सीधी सीधी चीजें हैं, कोई ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना, बिल्कुल शांत रहना, पिंड ऑफ साइलेंस, मेरे अलावा किसी और की आवाज नहीं आनी चाहिए। यहां पर ध्यान देंगे कि ये जो स्थितिज ऊर्जा है, यहां पर आप ध्यान दो कि ये यदि कोई वस्तु स्थिर है, ठीक है, और स्थिर अवस्था में होने के कारण, स्थिर अवस्था में होने के कारण उसमें जो ऊर्जा आती है उसी को हम क्या कहते हैं, उसकी स्थितिज ऊर्जा आती है। फॉर एग्जाम्पल समझना, यहां से एक नदी बहते हुए आ रही है ना, और यहां पर आपने क्या बना दिया, डैम, यहां पर ये पहाड़ है, आपने बना दिया यहां पर डैम। अब ऐसी कंडीशन में यहां पर भर गया पूरे में पानी, तो ये पानी में बहुत ज्यादा एनर्जी है, ये जो पानी डैम स्टोर हुआ है इसमें कितना ज्यादा पानी भरा हुआ है, बहुत सारा पानी भरा हुआ है ना, तो आप कहोगे कौन सी एनर्जी है इसमें, स्थितिज ऊर्जा है। जैसे ही बांध टूटेगा और एनर्जी अपना खेल दिखा देगी, आसपास के 150 गांव बहा देगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें, आपने एक स्प्रिंग को खींच रखा है, एक स्प्रिंग है, यहाँ रबर है, रबर आप जो बालों में लगाते हो, पतली रबर, यहाँ जो दुकान वाले ग्रोसरी वाले देते हैं लपेट कर, उसको आपने खींच रखा है, खींचकर आप पकड़े हो, तब उसमें कौन सी एनर्जी है, स्थितिज ऊर्जा है ना, स्थिति में है, उस स्थिति में एनर्जी, ऐसी आप छोड़ोगे उसका आपको फल पता चलेगा, क्लियर। तो ये सारी चीजें होती हैं। आप कपड़े धोते हो, फिर उनको मोड़ते हो, जब मोड़ कर फाइनली उसे पूरा कंप्लीट मोड़ देते हो मैक्सिमम पॉइंट पर, ठीक है, तब उसमें कौन सी एनर्जी होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है। तो ये पॉइंट याद रखना है ना। चलो, आप रिमोट चाबी वाली गाड़ी चलाई होंगी सबने, जब मेले जाते थे तो वही लूटपीट हो जाते थे कि भैया गाड़ी चलाओ, घर वालों से कहते थे, है ना, तो चाबी वाली गाड़ी और लाके एक घंटे में सब खोल खाल के हम इंजीनियर बन जाते थे, फिर उसे चिपकाते थे, धागे बांध रहे हैं उसमें, पहिए घूम गए तो मिट्टी के पहिए लगाते थे, तो वो क्या है, उसमें आप चाबी भरते हो तो उसमें भी कौन सी एनर्जी थ्रू आगे बढ़ती है, स्थितिज ऊर्जा के कारण। पीछे खींच के आप छोड़ते थे गाड़ी, आगे बढ़ देती थी, उसमें भी कौन सी एनर्जी लगती थी, स्थितिज ऊर्जा एनर्जी लगती थी। तो ये सारी चीज याद रखना। अब बात करते हैं, बहुत अच्छा नियम है ऊर्जा संरक्षण का नियम, ये आप सबने पढ़ा होगा, गीता में श्री कृष्ण ने भी हमें यही सिखाया है, ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है, ऊर्जा संरक्षण का नियम एक बहुत सीधी सिंपल बात करता है कि भाई साहब, इस संसार में जितनी भी ऊर्जा है वो नियत है, ना तो आप ऊर्जा को बना सकते हो, ना ही ऊर्जा को मिटा सकते हो, केवल इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हो, ठीक है।
उन्होंने भी गीता में जैसे आप बात करते हो आत्मा की बात करते हो ना, तो ऐसे ही आत्मा भी क्या है, हमारी बॉडी की एक एनर्जी मान के चलते हैं। नैनम चलंती शस्त्राणी नैनम दहती पाप का ना क्लेदेन्तम चापो ना शोषयति मारुता। ना आत्मा को काट सकते हैं, ना जला सकते हैं, ना भगा सकते हैं, ना ही उसे नष्ट कर सकते हैं। एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में जाती है, वो भी एक प्रकार की एनर्जी है। ठीक है, तो ये जो एनर्जी होती है ये क्या है, ये परमानेंट है। आज से 13.7 बिलियन ईयर एगो एक घटना होती है, दैट इज कॉल्ड बिग बैंग। तो बिग बैंग में आपने देखा कि ऐसी कंडीशन बनी कि एक छोटे से पिंड में अचानक बहुत ज्यादा द्रव्यमान, बहुत ज्यादा टेम्परेचर और प्रेशर के कारण एक विस्फोट होता है। ठीक है, तो एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है, इस घटना को कहा गया बिग बैंग। उससे ही फिर आपका पूरा का पूरा यूनिवर्स बना। तो उस छोटे से पिंड में जो एनर्जी थी, उसी एनर्जी का यूज करके आज मैं आपसे बोल रहा हूँ और आप मुझे सुन रहे हो। ठीक है, क्योंकि एनर्जी तो आप बना ही नहीं सकते, ना उसे मिटा सकते हो। तो एनर्जी निश्चित है संसार की पूरी जो उस पिंड में कब 13.7 अरब वर्ष पहले जो एनर्जी थी, आज भी हम सब में वही एनर्जी है। उसी एनर्जी के भरोसे लाइट चल रहा है, उसी एनर्जी के भरोसे ट्रक चल रहे हैं, प्लेन चल रहे हैं, रेल, बहुत सारी चीजें जो भी हो रहा है सब उसी एनर्जी से। ठीक है, तो एनर्जी को ना आप क्या कर सकते हो, ऊर्जा ना बनाई जा सकती है, कांट बी क्रिएटेड, इट कांट बी डिस्ट्रॉयड, ना ही इसे ना ही मिटाया जा सकता है। केवल इसे एक रूप से, एक से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, परिवर्तित किया जा सकता है। आगे समझ में ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, किसी को डाउट है? वेरी गुड। चलो, तो ऊर्जा रूपांतरण करने वाले कुछ उपकरण इसमें आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, इसमें चीजें हम पढ़ेंगे। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है, इसमें भी कुछ चीजें होती हैं। ऊर्जा क्या है कि अलग अलग नए नए रूपों में प्रकट होती रहती है। ठीक है, कुछ इसमें नियतांक पढ़ेंगे। नियतांक क्या होता है, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा बराबर नियतांक, उसको भी हम समझेंगे। चलो, तो पहले अपन बात करते हैं कुछ ऐसे रूपांतरणों की, ऊर्जा रूपांतरण जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, तो आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो उन पर अपन डिस्कस करते हैं, ध्यान देना। चल, सबसे पहले बताओ, आपने विद्युत सेल पढ़ा है, टूल्स हैं कन्वर्सेशन ऑफ एनर्जी, इसको हमें पढ़ना है। विद्युत सेल कौन सी ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा में बदलता है, बताओ? विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है, पक्का? या तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, तो लिख लो, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, सर केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। दूसरा, यदि हम एक एग्जांपल ले, मान चलो मोमबत्ती, मोमबत्ती क्या करती है, मोमबत्ती रासायनिक को कौन सी में, प्रकाश ऊर्जा में। आपके घर में जो स्त्री होता है प्रेस, आयरन, आयरन कौन सी ऊर्जा में बदलता है, ये क्वेश्चन आया भी है पटवारी में 2017 या 15 वाले में, विद्युत ऊर्जा को लिख लो, विद्युत को तापीय में, विद्युत ऊर्जा को तापीय ऊर्जा में। बल्ब, बल्ब क्या करता है, प्रकाश, विद्युत को प्रकाश में। पेट्रोल क्या करता है, नहीं पेट्रोल थोड़ी ना करता है, पेट्रोल तो अपने आप को इंजन जो रहता है, लाउड स्पीकर, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, लाउड स्पीकर जो है ये इलेक्ट्रिक एनर्जी को किसमें बदलेगा, साउंड में। ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, सब इस तरीके के पढ़ लेना। डायनामो क्या करता है, डायनामो क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। ठीक है,
सितार, सितार क्या करेगा? विद्युत को साउंड में सितार, सितार ध्वनि को साउंड में, ठीक है लिख लो, विद्युत यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, काइनेटिक एनर्जी को ध्वनि ऊर्जा में, ये सारे पॉइंट हैं। और इसमें बहुत सारे और आप लोग पढ़ लेना, सब याद कर लेना, कितने कितने आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। चलो अब एडिट डालते हैं, अपना नया चैप्टर स्टार्ट करिए। सब समझ में आ गया, कार्य ऊर्जा शक्ति सब वर्क पावर एनर्जी, किसी को डाउट हो इसमें तो पूछ लो अभी। वेरी गुड, काफी समझदार हैं आप लोग। अब अपन आगे बढ़ते हैं, हेडिंग डालो गुरुत्वाकर्षण। एक बार मैं आपको थोड़ा सा रिव्यू दे देता हूँ चीजों का। एग्जाम्पल ही पूछे जाते हैं इसलिए तो मैं वो डिस्कस करा रहा था। चलो चैप्टर था अपना कार्य एवं ऊर्जा, अपन ने सबसे पहले पढ़ा कार्य, तो कार्य क्या है? बलगोलित बल की दिशा में विस्थापन क्या कहलाता है? कार्य कहलाता है। यदि बल और विस्थापन की, बल की दिशा और विस्थापन के बीच में 0 डिग्री का कोण होगा तो अधिकतम कार्य होगा, 90 डिग्री का कोण होगा तो न्यूनतम कार्य होगा। डब्ल्यू बराबर F(n)(d cos थीटा, ये फॉर्मूला है इसका। तीन प्रकार का होता है कार्य, धनात्मक ऋणात्मक और शून्य होता है। फिर अपन ने देखा शक्ति, तो कार्य करने की दर को क्या कहा जाता है? शक्ति कहा जाता है। इसका मात्रक क्या है? वाट माना जाता है। तो शक्ति बराबर कार्य बटे समय और SI मात्रक जूल प्रति सेकंड, ठीक है। अब अपन बात करते हैं हॉर्स पावर की, मैंने बताया तो कितना होता है? 786 वॉट का 1 हॉर्स पावर होता है, ठीक है। ऐसे ट्रैक्टर आप कहते हो 45 हॉर्स पावर का, 55 हॉर्स पावर का, मतलब उसमें 55 घोड़ों की शक्ति है। एक घोड़ा, घोड़ा बहुत तेज लगता है ना, उसके पैर में लाल मांसपेशियां ज्यादा होती हैं, तो उस कारण से वो थकता नहीं है उसके पैर कभी। तो ये जो मांसपेशियां होती हैं वो बायो बायो में सब पढ़ते हैं। चलो तो यहाँ पर समझना, उसके बाद हमने पढ़ा एनर्जी, कार्य करने की क्षमता क्या कहते हैं? एनर्जी कहते हैं। अदिश राशि है, मात्रक क्या है? जूल प्रति अर्घ। अब इसके प्रकार मैंने बताया, हमने देखे थे काइनेटिक एनर्जी, साउंड एनर्जी है ना, लाइट एनर्जी, प्रकाश, केमिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी और हीटिंग एनर्जी, ऊष्मीय ऊर्जा। ये सारी यांत्रिक ऊर्जा के दो प्रकार बताए थे, गतिज और स्थितिज, मोशन और स्टेबल वाला हमने देखा था। तो यहाँ पर समझना कि स्थितिज भी क्या है? धनात्मक होती है हमेशा और ये अदिश राशि है, ये पॉइंट याद रखना है। उसके बाद में स्थिर अवस्था में यदि ऊर्जा आदि डैम बैम, इसके एग्जांपल अपन ने डिस्कशन किया था। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो ½mv² से निकलता है। m क्या है? वस्तु का द्रव्यमान और v क्या है? वस्तु का वेग। तो ½mv² बराबर काइनेटिक एनर्जी, इसका फॉर्मूला अपन ने देखा है। चलो इसके बाद ऊर्जा संरक्षण का नियम पे बात की। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है? ऊर्जा आप ना बना सकते हैं ना मिटा सकते हैं, केवल ऐसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन कर सकते हैं, ठीक है। फिर हमने देखा कौन कौन परिवर्तन किस किस में करता है। विद्युत से रासायनिक का, विद्युत में मोमबत्ती, रासायनिक का प्रकाश में आयरन, तापीय में बल्ब, लाउड स्पीकर, इलेक्ट्रिक एनर्जी का साउंड एनर्जी में उपयोग करता है। ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आपका जो मोबाइल रहता है, अब उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे फ्लैशलाइट अलग काम करेगी, तो ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा मोबाइल कौन सी ऊर्जा बदलता है। जब आप गाने सुनते हो तो वो अलग एनर्जी को अलग में बदलता है कि नहीं, तो अलग अलग सिस्टम पे अलग अलग चीजें, आपको थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ेगा यहाँ पर, तब आप ऑप्शन देखना, ठीक। चलो अब हम बात करते हैं गुरुत्वाकर्षण की। मूवी देखी है ग्रेविटी? देखी है सर। कैसी है? मस्त मूवी। हाँ एक मूवी है ग्रेविटी नाम से। साइफाई मूवी है, अच्छी मूवी देख रहे, एकदम आर्टिन करके है वो भी देखना। वो मंगल पे फंस जाता है फिर आलू उगाता है, अच्छी मूवी। चलो तो गुरुत्वाकर्षण क्या है? देखो यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में जितने भी पिंड हैं, तो ये पिंड, प्रत्येक पिंड में एक दूसरे पिंडों को अपनी ओर आकर्षित करने का एक गुण होता है, ठीक है। एक उसका नेचर होता है कि वह कोई अदर, यदि कोई प्लेनेट है या कोई ऐसा पिंड है तो उसे अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। तो इस आकर्षित करने के गुण को ही क्या कहा जाता है? गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है, ये पॉइंट याद रखना। तो ब्रह्मांड में हर जगह मौजूद है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है कि ये
सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण बल भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? सार्वत्रिक, क्योंकि ब्रह्मांड में हर जगह ये मौजूद है, तो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण बल। चलो तो इस चीज को हम समझना है। सबसे पहले इसमें कुछ कुछ चीजें हैं। देखो, गुरुत्वाकर्षण की प्रकृति यदि नेचर की बात करें तो कैसा होगा? यह हमेशा आकर्षित करता है, अट्रैक्ट करता है, या धकेलता भी है? नहीं धकेलता ना, केवल खींचता है। कभी ऐसा हुआ गुरुत्वाकर्षण के बल के कारण आप बिस्तर पर सो रहे थे और आपने अचानक आप उछल गए सोते सोते, है ना, धरती के एटमोस्फेयर से बाहर, वहां तैर रहे हो, है ना। लड़कियां कह रही है परी हूं मैं, ऊपर ऐसी आवाज आ रही। चलो, तो इसमें क्या है, आकर्षित ही करता है ना कि आपको बाहर की ओर धकेलता है। अब ये जो होता है, मान के चलो गुरुत्वाकर्षण बल, ऐसा नहीं होता है कि एक पदार्थ ये है, ये बड़ा पिंड है, एक पदार्थ ये है और इनके बीच में कोई भी माध्यम, माध्यम क्या हो सकता है, लिक्विड, है ना, या फिर कोई ठोस हो सकता है, सॉलिड हो सकता है या गैस हो सकती है। तो वस्तु के बीच का जो माध्यम होता है उस पर निर्भर नहीं करता है, उसका इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स पर कोई भी असर नहीं है। सबको हटाकर वो अपना काम करता रहेगा, ये इस तरफ खींचना है कि इनके बीच में बल लगता रहेगा। आई बात समझ में? तो वस्तु के बीच में जो माध्यम है वो माध्यम इस पर कोई तरीके का प्रभाव नहीं डालता है गुरुत्वाकर्षण बल पर। ये पॉइंट कोई दिक्कत? ठीक है। तो एक प्रकार से क्या होता है कि ये एक केंद्रीय बल माना जाता है, एक सेंट्रल फोर्स है जो जितने भी एक समान मिलने वाले कण है उनके अनुदिश कार्य करता है। ये बात हम समझेंगे आगे चल के। चलो, अब यहां पर एक टर्म आता है गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है? गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन गुरुत्वीय त्वरण। त्वरण क्या होता है? वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। अब गुरुत्वाकर्षण के कारण यदि यह परिवर्तन आएगा क्या कहलाएगा? गुरुत्वीय त्वरण। यदि कोई वस्तु मुक्त आकाश से फेंकी जाए और पृथ्वी की तरह गिर रही है तो उसकी जो गति में परिवर्तन आएगा वो क्या कहलाएगा? गुरुत्वीय त्वरण कहलाएगा, है ना। तो पृथ्वी की ओर मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु पृथ्वी पर पृथ्वी के आकर्षण बल के कारण जो त्वरण उत्पन्न होता है उसे गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आप याद रखना। चलो, तो गुरुत्वीय त्वरण को हम किससे परिभाषित करते हैं? स्मॉल जी से। ये पूछ लिए जाते हैं फॉर्मूले एवं के साइन, कौन से संकेत होते हैं। चलो, तो इसमें याद रखना इसका मात्रक क्या है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक लिख लो, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, अथवा आप ऐसा भी लिख सकते हो, न्यूटन प्रति किलोग्राम, न्यूटन प्रति किलोग्राम, ये भी लिख सकते हो। चलो, अब देखो गुरुत्वाकर्षण बताने के लिए आपको क्या करना, गुरुत्वीय त्वरण बताने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि दिशा की भी आवश्यकता होती है, केवल परिणाम की परिमाण से काम नहीं चलता है। जब दिशा की भी आवश्यकता है तो क्या कहोगे, सदिश राशि है। ये पॉइंट याद रखना कि ये सदिश राशि भी मानी जाती है। चलो, आपसे पूछ लिया जाएगा पृथ्वी पर जी का मान, ये क्वेश्चन तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, पृथ्वी पर जी का मान कितना होता है? इंटू टेन की पावर ट्वेल्व माइनस में प्लस में लिख लो, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, 9.8 ये याद रखना। तो पृथ्वी पर जी का मान कितना होता है? 9.8 प्रति मीटर सेकंड स्क्वायर। जी मतलब गुरुत्वीय त्वरण, इस स्पीड से वस्तुएं नीचे गिरती हैं। चलो, आप मुझे बताओ, ये धरती है, कहां है धरती? ये है धरती। ये धरती है, अरे मान लो धरती है। ठीक है, धरती पर आपको पता है कि यहां पर है विषुवत रेखा, बोलो सर नहीं पता है,
ये विषुवत रेखा है, ये 0 डिग्री इक्वेटर कहा जाता है इसे, ये 90 डिग्री क्या है, पोल्स हैं ध्रुव, और ये भी 90 डिग्री पोल है साउथ में, ये साउथ है और ये नॉर्थ है। अब धरती का केंद्र ये है, यहां से पास पड़ेगा या यहां से पास पड़ेगा, मतलब ध्रुव ज्यादा नजदीक है केंद्र के, तो जी का मान इक्वेटर पर अधिक होगा या जी का मान पोल पर ज्यादा होगा, ये पास है तो इस पर ज्यादा गुरुत्वाकर्षण लगेगा ना, ठीक है, तो इसे हम कहेंगे जी का मान ध्रुव पर ज्यादा होगा, जी का मान इक्वेटर पर कम होगा, विषुवत रेखा पर जी का मान कम माना जाएगा, ये पॉइंट याद रखना। तो इससे क्या होता है कि आप याद रखो कि जी का मान जो है भूमध्य रेखा पर कम होगा और जी का मान ध्रुवों पर अधिक होगा, लिख लो, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। क्यों, कारण क्या है कि देखो ध्रुवों से धरती थोड़ी चपटी है और सेंट्रीपेटल फोर्स के कारण, सेंट्रीफ्यूगल सेंट्रीपेटल फोर्स पढ़ाए थे ना, तो अब केंद्रीय बल के कारण पृथ्वी घूमती है, घूमने के कारण इसमें क्या हुआ है, ये बीच से फैल चुकी है और ध्रुवों से ही चपटी है, घूमने के कारण बाहर की ओर फिरता है ना, जैसे साइकिल का पहिया घूमता है पानी पीछे की ओर चलता है, मैंने समझाया था, तो धरती घूम रही है, इसका जो रोटेशन स्पीड है उसके कारण ये इसका क्या है बीच वाला भाग थोड़ा सा फैल गया है और ऊपर से ये चपटी रह गई है, इसलिए ये पास इसके ज्यादा नजदीक है और ये दूर है, जो दूर होने के कारण इस पर जी का मान कम लगेगा, मतलब ज्यादा दूर है ना केंद्र से, तो दूरी बढ़ने के साथ साथ जी का मान घटता जाता है, सीधा सा सिंपल थॉट है, तो ये दूर है तो जी का मान कम होगा, ये पास है तो जी का मान अधिक होगा। अब ऐसा नहीं कि आप यहां पहुंच जाओ तो यहां जी का मान सर्वाधिक होगा, केंद्र में जी का मान जीरो होता है, क्या होगा जीरो, मतलब एक निश्चित दूरी तक तो जी का मान बढ़ेगा, ये बढ़ेगा और फिर इसके बाद जी का मान घटना शुरू हो जाएगा और फिर जीरो हो जाएगा, है ना, ये सब चीजें हम सीखेंगे। अब हेडिंग डालो आप पलायन वेग, यहां तक ये सब लिख लिया, समझ में आ रहा है क्या पढ़ा रहा हूं, अरबी फारसी नहीं लग रही, हिंदी है ना, पलायन वेग, हाँ भाई क्या होता है पलायन वेग, पलायन वेग क्या होता है, पलायन वेग क्या होता है, आप क्रिकेट किस किसने के लिए, वो मतलब ऊपर फेंको और थोड़ा नीचे आ जाए तो उसको पलायन वेग कहते हैं, लेकिन आपने एक बार इतने तेज फेंका कि वो नीचे नहीं आया, जैसे छोटा भीम ने फुटबॉल में लात मारी तो नीचे नहीं आई, होता है देखा है छोटा भीम, ठीक है, तो वो कितने स्पीड से पैर मारेगा, वो मिनिमम कितनी स्पीड होनी चाहिए जिससे कि वस्तु बाहर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से पार निकल जाए, हमारे एटमॉस्फेयर के बाहर निकल जाए, ठीक है, तो उस मिनिमम स्पीड को, उस मिनिमम वेग को कहा जाता है पलायन वेग, क्या कहा जाता है पलायन वेग, यदि धरती से यदि आपको किसी चीज को बाहर फेंकना, पलायन वेग आप याद रखना, इसे वी से दर्शाते हैं, पलायन वेग इसे वी से दर्शाते हैं, और इसका यदि मात्रक पूछ लिया जाए तो याद रखना पलायन वेग, इसका एक फॉर्मूला भी होता है अंडर रूट में 2gr, हाँ यदि इसका वो ये फॉर्मूला भी रख लेना पलायन वेग का फॉर्मूला, पृथ्वी पर यदि पलायन वेग का पूछा जाए कि पृथ्वी पर पलायन वेग कितना है, तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड ये पृथ्वी का पलायन वेग है, मतलब किसी यदि वस्तु को 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से फेंक दिया जाए तो वो लौटकर कभी धरती पर नहीं आएगा, यदि कोई व्यक्ति से आप चीड़ हो तो उसे भी इस वेग से बाहर फेंक सकते हो, ठीक है, उससे भी छुटकारा मिल जाएगा। क्वेश्चन आ जाए चंद्रमा पर पलायन वेग कितना है, चंद्रमा पर, तो चंद्रमा पर जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो पृथ्वी की अपेक्षा कम है ना, कितना है g/6 कम, मतलब पृथ्वी से बहुत कम है, यदि किसी वस्तु का भार और द्रव्यमान समझाया देख दे, भार और द्रव्यमान क्या है, भार क्या है, भार किसी वस्तु का वास्तविक जो उसका एक हम कह सकते हैं कि वास्तविक जो वजन होता है भार होता है वो द्रव्यमान कहलाता है, जबकि उस पर गुरुत्वाकर्षण बल लग जाता है तो वो भार कहलाता है, तो गुरुत्वाकर्षण बल यदि हटा दिया जाए किसी वस्तु से तो जो शेष है वही उसका द्रव्यमान है, गन्ने के उसका उदाहरण दिया था क्रेशर का, किसी ने चेक किया अपना
क्यों? कैसे लोग आप लोग प्रैक्टिकल नहीं करते हो? करना चाहिए, ठीक है। तो याद रखना चंद्रमा पर 2.38 किलोमीटर प्रति सेकंड, चंद्रमा पर कितना है 2.38 किलोमीटर पर सेकंड, वहां का पलायन वेग, मतलब आप हाथ से एक बॉल फेंकोगे ना तो वो बाहर चली जाएगी, लौट कर नहीं आएगी, इसलिए हम चांद पर गंदी बना रहे हैं। मैंने लिया था एक प्लॉट लेकिन फिर कैंसिल करा दिया, कौन फालतू में किसी ने गुस्से में किसी फेंक फाड़ दिया, लौट ही नहीं आएगा। अब ये पलायन वेग पता है आपको, रॉकेट जो होता है, रॉकेट देखो कई चीज समझने लायक होती है, हालांकि इसमें तो नहीं आएगा, धरती पलायन वेग कहां कम रहेगा, यहां पर कम रहेगा इक्वेटर के आसपास। तो जितने भी रॉकेट हैं वो कहां से लॉन्च किए जाते हैं, इक्वेटर के आसपास से लॉन्च किए जाते हैं, क्योंकि यहां पर गुरुत्वाकर्षण बल कम होता है तो पलायन वेग भी कम लगाना पड़ता है। कई सारे क्वेश्चन बनते हैं रॉकेट वाले, रॉकेट हमेशा जो है ईस्टर्न पार्ट पर ही क्यों होते हैं, वेस्टर्न पार्ट पर क्यों नहीं होते हैं, कुछ कुछ मूर्ख लोग, कुछ मूर्ख देशों ने मजबूरी बना रखे हैं, लेकिन क्यों नहीं होते हैं। रॉकेट जब ऊपर जाता है सबसे पहले किस दिशा में गति करता है, रॉकेट जब धरती से ऊपर जाता है वो फिर ईस्ट में गति करता है, ठीक है, क्यों? क्योंकि धरती के मूवमेंट के कारण, उल्टी इस तरफ गति करेगा, धरती का मूवमेंट कहां से हो रहा है, पूरब से पश्चिम, पश्चिम से पूरब, पश्चिम से पूरब हो रहा है, तो पूरब की दिशा में जाना सही रहेगा, क्योंकि वायुमंडल भी तो पश्चिम से पूरब घूम रहा है ना धरती के साथ। अब आप पूरब से पश्चिम की ओर रॉकेट को ले जाओ उल्टा, तो ज्यादा एनर्जी लगेगी, है ना। अब क्या होता है देखो, ये तो हो गया हमारा भारत, ठीक है। तो भारत में सबसे पहले हमने यहां पर बनाया थुम्बा में, टल्स करके थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्च स्टेशन था, तो यहां पर बनाया। अब यहां से ऊपर जाएगा और फिर यहां की ओर जाएगा, ऊपर आया फिर इस तरफ मुड़ेगा, यहां पर मुड़ते मुड़ते तो उसका मूड खराब हो गया और यहां गिर गया। फिर आप सो रहे हो बढ़िया छत पे, आप अपने खेत में धान काट रहे हो, आपके खेत में बहुत बड़ा रॉकेट आके गिरा, क्या होगा आपका, है ना। किसी की बारात जा रही थी, पूरी बारात में एक रॉकेट आके गिर गया, ठीक है, पूरा माहौल मातम में बदल गया, ओ माय गॉड ये क्या हो गया। तो इसलिए कहां रखे जाते हैं, ज्यादातर ईस्टर्न पॉइंट पे, यहां से उठे चला जाए कहां गिरेगा, समुन्द्र में, समुन्द्र में ही गिरेगा ना। ऐसा नहीं आप मस्त जो है नाव वाव से जा रहे थे मस्त की, हाँ चलो आज अंडमान निकोबार चलते हैं, क्रूज से चलेंगे, आपकी क्रूज पे आके गिर जाए, ऐसा नहीं होता है। पूरा अध्ययन किया जाता है, जब लॉन्च किया जाता है तो उस समय कौन से एरिया से ऊपर जाएगा उन एरिया में नजर रखी जाती है, ठीक है। और ऐसे बहुत कम वो होते हैं, चाइना का थोड़ी है कि हर बार जाके उसे गिरना ही है, या पाकिस्तान का हो तो गिरेगा, इंडिया का नहीं गिरता है। लेकिन यदि अफ्रीकन कंट्रीज हैं तो अफ्रीकन कंट्रीज के पास ये क्या है, थोड़ी सी समस्या है कि उनका रॉकेट लॉन्च कुछ कुछ ऐसे गुआना वगैरह है तो उनका यहां पर है, ठीक है। तो वो फिर यहां से ना करके वो या तो भारत से कराते हैं, क्योंकि भारत सबसे सस्ते रॉकेट लॉन्च करता है, या फिर वो अफ्रीकन कंट्री अमेरिकन कंट्री से कराते हैं, तो अलग अलग। फ्रेंच गुआना एक आपने सुना होगा, वहां पर भी एक है स्टेशन, चलो अलग ये नहीं पूछा जाएगा, वो तो मैं हवा हवाई चल रहा था आपके सामने। चलो यहां तक ठीक है, अब हम बात करते हैं इसमें अगला, रिवीजन करके आए हो नहीं ये बताओ, वेरी गुड, नहीं करने के लिए भी हिम्मत चाहिए रहती, बता। चलो अब यहां से क्वेश्चन बनते हैं जो हम पढ़ रहे हैं, यहां से एक क्वेश्चन बनते हैं लिफ्ट के, लिफ्ट वाले क्वेश्चन बनते हैं, आपने सुने होंगे। तो लिफ्ट में व्यक्ति का भार बढ़ता है या घटता है, डिपेंड करती है लिफ्ट ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है, ठीक है। तो लिफ्ट में व्यक्ति का भार अब क्या होता है कि यदि जो लिफ्ट है वो ऊपर की ओर, ये लिफ्ट है ना, और इसमें दो व्यक्ति खड़े हैं, एक लड़की एक लड़का, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है ना, नहीं तो लोग कहेंगे मास्टर जो लड़की लड़कों को प्रमोट कर रहे हैं, ध्यान देना, एक लड़की एक लड़का खड़े हैं। अब यहां पर समझो कि ये जो लिफ्ट है यदि ये ऊपर की ओर जाती है तो क्या होगा, आपको भार में बढ़ोतरी महसूस होगी, है ना, आपको जो ऐसा लगेगा कि भार आपका बढ़ गया, ये आभासी होता है, ठीक है। यदि लिफ्ट की रस्सी टूट जाए, भगवान ना करे ऐसा हो, दोनों सलामत रहें, भगवान ना करे दोनों सलामत रहें, जो की हो, चलो तो यहां पर क्या, ये रस्सी यदि टूट जाए और लिफ्ट फिर एकदम से नीचे की ओर आएगी, ऐसा हो गया तो आप दोनों का सिर लगेगा यहां, ठीक है, और मामला वहीं निपट जाएगा, किसी कोई कानो कान खबर नहीं होगी। कहने का मतलब भार में क्या होगी, कमी आएगी अचानक से, और फिर उसके बाद में लिफ्ट अचानक से नीचे आकर धड़ाम से पड़ेगी, निपटा कर नीचे आकर धड़ाम से पड़ेगी, फिर क्या होगा, आपका भार आपको बहुत ज्यादा बड़ा हुआ महसूस होगा अचानक से,
है ना, निपट ही जाओगे, रस्ते में प्राण निकल जाएंगे, फिर पता ही नहीं चलेगा नीचे आके लिफ्ट रुकी भी या नहीं, वो नहीं। लेकिन देखो मुद्दा समझो कि लिफ्ट यदि अचानक से लिफ्ट ऊपर जाती है तो आपको भार बढ़ा हुआ लगता है शुरुआत में, जब लिफ्ट नीचे आती है तो आपको भार कैसा होता है घटता है, और रेंडमली यदि लिफ्ट जो है इसका क्या टूट जाए, ये रस्सी टूट जाए, जो तार रहता है वायर टूट जाए, तो ऐसी कंडीशन में अचानक से लिफ्ट नीचे गिरेगी। सोचो 38 माले से लिफ्ट गिर रही है ना, मत सोचो 38 माले से लिफ्ट नीचे गिर रही है, तो आप कहां से डायरेक्ट ऊपर जा रहे थे, है ना, ऊपर जा रहे थे। अब हमारे एक साथ एक नियम होता है जड़त्व का नियम, मतलब परिवर्तन का विरोध करते हैं ना, है ना, हम हमेशा परिवर्तन का, हमने भी घर वालों से कहा था, मैंने भी कहा था घर वालों से कि मुझे क्रिकेट खेल लेने दो, ठीक है, लेकिन घर वालों ने मेरी एक नहीं सुनी। आज इतने क्रिकेटर इतनी अच्छी अच्छी अगर शादी कर रहे हैं, हो सकता है कहीं मेरी जुगाड़ बन जाती है, लेकिन मेरे घर वालों ने बिल्कुल नहीं सुनी। जिस दिन अनुष्का की शादी हुई थी विराट कोहली से, उस दिन मैं पापा से 3 दिन बात नहीं किया था, आज मुझे क्रिकेट खेलने देते, आज मेरी शादी हो रही होती, ठीक है। तो परिवर्तन का विरोध तो होता है भाई, तो परिवर्तन का किया गया विरोध, ये जीवन का नियम है। आपने कहा होगा नहीं बनना पटवारी, ठीक है, जूते से उस विरोध को शांत किया गया होगा, होता है। चलो तो यहां पर यदि लिफ्ट एकदम से ऊपर जा रहा था, आपके जो है भार, आप पर आभासी एक भार था, आपका वजन बढ़ा हुआ लग रहा था ऊपर, अचानक से लिफ्ट टूट गई, वायर टूट गया, आप नीचे आने लगे, आप जा रहे थे ऊपर, अब आप तो विरोध करोगे नीचे जाने का, आप कहोगे नहीं हमें ऊपर ही जाना है, जाओ ऊपर, ऊपर से छत आ रहे हैं इसका लिफ्ट का, वो आपका सिर फोड़ देगा, ये भी जूता है पटवारी वालों के, जूता जैसे पड़ा तो आपको नीचे लाएगा, तो इसमें क्या होगी, अचानक भार में बहुत ज्यादा कमी होगी, अचानक कमी नहीं होगी, बहुत ज्यादा कमी होगी, आप हवा में आ जाओगे, फिर जब लिफ्ट आकर नीचे धड़ाम से बढ़ेगी, ऐसी कंडीशन में धड़ाम से, तो आप तो हवा में थे ना, आप तो उस जड़त में आ गए थे गति में, अब आप उसका विरोध करोगे, नहीं जाना हमें, नहीं रुकना, मत रुको, नीचे आकर फिर आप छत पे एकदम से पड़ोगे, एकदम से आपका भार क्या होगा, बहुत ज्यादा बड़ा होगा, महसूस होगा, हड्डियां टूट जाएंगी आपकी, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखना है लिफ्ट में भार। चलो यदि लिफ्ट स्थिर हो और एक समान वेग से ऊपर जा रही हो, लिफ्ट स्थिर है तो उसमें क्या आपको कोई परिवर्तन लगेगा, नहीं। अब लिफ्ट पहले उठती है, शुरू में आपको भार बढ़ा हुआ लगता है, फिर लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जा रही है, क्या होगा, आपको कोई परिवर्तन नहीं आएगा, आपका भार जो है समान रहेगा। दूसरा, यदि लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही है, मतलब लगातार वो स्पीड बढ़ती जा रही है ऊपर जाने की, तो आपको भार बढ़ता हुआ महसूस होता रहेगा, आपके भार में आपको बढ़ता हुआ महसूस होगा। अब लिफ्ट एकदम से आकर रुकती है तो आपको भार और ज्यादा बढ़ा हुआ महसूस होगा या कम महसूस होगा, जब लिफ्ट ऊपर जाकर रुकेगी तो आपको भार कम महसूस होगा, क्योंकि आप तो ऊपर की ओर गति में और लिफ्ट रुक गई, तो आप फिर ऊपर की ओर हल्का सा आपको लगेगा ना, तो आपको भार हल्का महसूस होगा, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखना, यदि लिफ्ट तीव्र गति से नीचे की ओर गिर रही है तो आपको भार घटा हुआ प्रतीत होगा, बढ़ा हुआ घटा हुआ प्रतीत होगा, अर्थात आवासी भार जो है वास्तविक भार से कम माना जाता है, ठीक है। चलो जैसे कुछ फॉर्मूले के सहारे हम समझते हैं, जैसे कि यदि लिफ्ट में जो वेट है, वेट यदि आपको लिफ्ट में कैसा महसूस हो रहा है, कम महसूस हो रहा है, सॉरी आप ऊपर जा रहे हो, जैसे आप कहोगे g+a कहोगे, क्यों कहोगे, क्योंकि आपको भार बढ़ा हुआ महसूस हो रहा है, लिफ्ट एकदम से नीचे आ रही है तो mg-a आपको भार घटा हुआ महसूस होगा, ऐसे फॉर्मूले पूछ लिए जाते हैं, तो लिफ्ट वाले क्वेश्चन काफी आते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। चलो अब बात करते हैं द्रव्यमान की, द्रव्यमान क्या होता है लिखते हैं समझते हैं। आप लोग अपने मोबाइल पर साइलेंट कर दिया करो ड्यूरिंग क्लास, पटवारी बनने के बाद उससे चिपके रहना। क्या होता है देखो, पहले क्या है ना, सोर्स रिसोर्सेज नहीं थे, जब मैंने तैयारी शुरू की थी ना तो 200 रुपये का 1 GB डाटा मिलता था हम लोगों को, और यदि किसी दोस्त ने यूट्यूब तो होते ही नहीं था, गुरुवार से चलाते थे सैमसंग का, जिसमें एक टॉर्च होती थी बस, है ना, सुविधा के नाम पर, फिर एक अपडेट करके एक और कीपैड लिया तो उसमें नेट चलता था थोड़ा बहुत, 2G फेसबुक खोलते थे महीने में 3 बार गिन के, चौथी बार खोल ली तो अगले महीने में फिर 2 ही बार खोलते थे ना, डाटा नहीं बचता था, तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती थी, लेकिन रिस्ट्रिक्शन नहीं था, जैसे मेरे पास बुक्स बहुत लिमिटेड होती थी, हमारे टीचर ने कहा NCERT पढ़ो, तो NCERT नहीं थी, हम MP बोर्ड की किताब लेके पढ़ने लगे, गांव के बच्चों से कलेक्ट कर ली। क्या होता है ऐसी कंडीशन में, जब आपके पास बहुत ज्यादा रिसोर्सेज हैं आजकल चीजें, रिस्ट्रिक्शन उतना बढ़ता जा रहा है, हाँ या ना, हमारे पास मोबाइल है 4G नेटवर्क, हम एक बार बस YouTube पे वीडियो देखने के लिए चीजें खोलते हैं, आधे घंटे पहले इंस्टा पे स्क्रॉल करेंगे रील्स,
फिर हम 15-20 मिनट यूट्यूब शॉर्ट्स देखने में लग जाते हैं। अब बस पढ़ने वाले हैं, 9:57 हो गए, 10 बजे से पढ़ूंगा, अगली बार देखा 9:30 हो गए, चलो 11 बजे से पढ़ेंगे, होता है सब, टाइम निकल जाता है आपका। तो ये डिस्ट्रैक्शन पर कंट्रोल करना सीख लो, तो ये रिसोर्सेज आपके लिए वरदान, ये सुविधाएं वरदान, ठीक है। आजकल कोई लग के भी 6 महीने तैयारी कर ले तो आपका सिलेक्शन डन है, लेकिन आप डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा है आपके लाइफ में, तो उस डिस्ट्रैक्शन से हमें बचना है, इसलिए थोड़ा रिसोर्सेज का भरपूर उपयोग करो। कॉम्पिटिशन अब ज्यादा नहीं है, कॉम्पिटिशन पहले ज्यादा था, आजकल तो 90% लोग तो इंस्टा रील बना रहे हैं, रील देख रहे हैं, 5% लोग रील बना रहे हैं, बाकी के जो 5% लोग बन रहे हैं ना वही सेलेक्ट होते हैं, आई बात समझ में। तो कॉम्पिटिशन तो है ही नहीं, लोग कहते हैं ना भयंकर कॉम्पिटिशन है आजकल, सब तैयारी कर रहे हैं एक नंबर से, अरे देखो तो लड़ कौन से रहे हो, हम क्या है, अपना स्टेटस चेक करो ना पहले, तो थोड़ा सा चीजों को समझना है। यदि अभी देखो समय बहुत कम बचा है, और ये जितना समय पास आता जाएगा कुछ लोगों को बिल्कुल चिंता नहीं होगी, यकीन मानो वो रत्ती भर नहीं पढ़ रहे, जो जितना ज्यादा पढ़ता जा रहा है उसकी टेंशन उतनी ज्यादा बढ़ती जा रही होगी, है ना, इसकी टेंशन बढ़ रही है। अब ये नहीं कि आप बस पढ़े हो डले हो सोच रहे हो सुबह 10 बजे नींद खुली यार पेपर कैसे निकलेगा, ऐसे नहीं होता है, रात भर 4 बजे रात तक पढ़ना पड़ता है, सब सुबह 8 बजे नींद खुलती है, तब ये सोचो कि यार क्या और रह गया, कैसे और क्या करना है, और सब 8 बजे से पढ़ने बैठ जाते हो, यानी बिस्तर में 1.5 घंटे हमने सब कुछ कर लिया और बस लगे हैं, बात भी कर ली 2-4 लोगों से, घर वालों से बोल दिया, अरे अभी सोया था 5 बजे, डिस्टर्ब मत करो मुझे, सोया था 12 बजे, मैं उठ रहा हूँ 10 बजे, घर वालों से बोला बहुत पढ़ाई की रात भर मैंने, कैसे मूर्ख बना रहे हो अपने आप को। और ये चीजें सुननी है आपने हजारों बार जो मैं आपसे बोल रहा हूँ, लेकिन अप्लाई नहीं कर पाए, नहीं सोच नहीं पाए, और अब उम्र निकलती जा रही ना तो समझ में आती जाएंगी चीजें। तो प्लीज थोड़ा सा अपने आप पर कंट्रोल करना है, अपन को डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, रिसोर्सेज का भरपूर लाभ लेना है, बहुत अच्छी अच्छी किताबें हैं, अच्छे अच्छे टीचर आपको गाइड कर रहे हैं, सब चीजें हैं, आप उपयोग कर सकते हो, कर लो। एक बहुत अच्छी कहावत है ना कि राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, और अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएंगे, तो जब पेपर जिस दिन पेपर देकर आओगे उस दिन कोसोगे, काश एक एक घंटे और पढ़ लेता, उस पेन से मत गुजरना, इतना पढ़ लो कि पेपर देने के बाद ये ना कहना पड़े कि काश एक एक घंटे और पढ़ लेता, पेपर देने के बाद ये लगे कि जितनी क्षमता थी मैंने 100% दिया, होना ना होना अपने हाथ में नहीं है, और होगा ऐसी कंडीशन होगी तो होगा। चलो हेडिंग डालो द्रव्यमान, टाइम है ना अभी, अभी तो है ये जो मैंने बताया लिफ्ट, तो आपने बताया क्वेश्चन किस प्रकार, हाँ वो क्वेश्चन वही तो मैंने बताया कि लिफ्ट यदि एकदम से ऊपर जा रही है, त्वरण से ऊपर जा रही है, तो भार में क्या परिवर्तन होगा, 4 ऑप्शन दे देंगे, भार घटेगा, लगातार घटता जाएगा, भार बढ़ेगा, या लगातार बढ़ता हुआ प्रतीत होगा, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, तो लगातार बढ़ता हुआ प्रतीत होगा क्योंकि त्वरण में मतलब लगातार स्पीड से ऊपर जा रही है। चलो अब इसमें अगला पॉइंट आप हेडिंग डालो द्रव्यमान, द्रव्यमान क्या होता है भाई, द्रव्यमान तो लिखना किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप होता है, उसके जड़त्व की माप होता है, ठीक है। चलो अब इसमें क्या है कि जड़त्व उतना ही होगा जितना उसका द्रव्यमान होगा, ठीक है, जड़त्व वस्तु में ज्यादा नहीं होगा। यदि मान के चलो एक रेल ट्रेन जा रही है, ट्रेन में एक लोहे की बॉल रखी है 5 किलो की, और एक वो पीले कलर की बॉल रखी है स्माइली वाली, ठीक है, वो निप्पा निप्पी वाली बॉल नहीं आती जो देते हैं पहली बार, तो वो एक पीले कलर की बॉल रखी है। अब समझो यदि एकदम से ट्रेन रुकती है तो 5 किलो वाली बॉल ज्यादा आगे जाएगी या वो येलो कलर की जो बॉल होगी फॉर्म की वो आगे जाएगी, लोहे वाली बॉल, क्योंकि उसमें द्रव्यमान ज्यादा था तो वो जड़त्व ज्यादा रहेगा, वो परिवर्तन को उतना ज्यादा विरोध करेगा, है ना। तो जड़त्व का परिवर्तन द्रव्यमान से अंतर समझ में आया, जिसमें जितना ज्यादा द्रव्य है उसमें उतना ज्यादा जड़त्व होगा, मतलब परिवर्तन का उतना ज्यादा विरोध करेगा, ठीक है, ये पॉइंट आप याद रखना। इसमें लिखो चलो भार, भार क्या है, द्रव्यमान स्थिर रहेगा या परिवर्तन होगा, ऐसा हो सकता है कि चांद पर किसी चीज का द्रव्यमान कम है पृथ्वी पर ज्यादा होगा, कौन कौन सहमत है इस बात से, चांद पर कम है पृथ्वी पर ज्यादा,
पता है आज अंडे लेकर आया हूँ मैं, है ना। क्या होता है, द्रव्यमान में परिवर्तन नहीं होता, गुरुत्वाकर्षण बल हटाने के बाद जो बचता है वही तो द्रव्यमान है, और द्रव्यमान पर जब गुरुत्वाकर्षण बल लगता है तो उसे हम भार कहते हैं। तो भार में परिवर्तन आएगा धरती पर अलग अलग छोरों पर, है ना, परिवर्तन स्थान परिवर्तन के साथ भार में परिवर्तन आता है, ना कि द्रव्यमान में। द्रव्यमान स्थान परिवर्तन के साथ भी समान रहता है, ठीक है, ये पॉइंट याद रखना। तो द्रव्यमान लिख लो, मास क्या होता है, मास किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप होता है, ठीक है, पॉइंट याद रखना। यह स्थाई होता है अर्थात स्थान के साथ इसमें परिवर्तन नहीं होता। अगला पॉइंट लिखना भार अर्थात वेट, तो वेट क्या है, तो हमारा वजन ही हमारा वेट है, लिख लो वेट। किसी वस्तु का भार वह बल है जिससे यह पृथ्वी की ओर आकर्षित होता है, वस्तु का भार वह बल है जिससे वह पृथ्वी की ओर आकर्षित किसी वस्तु का भार वह बल है जिससे पृथ्वी की ओर आकर्षित होता है, जिससे वह पृथ्वी की ओर आकर्षित होता है। चलो, तो भार बराबर क्या होता है, m into g, वेट बराबर m into g होता है मास और उसका गुरुत्वीय त्वरण। मात्रक क्या होता है भार का, भार का मात्रक याद रखना न्यूटन, रट लो ये चीजें तो बिल्कुल अब तक रटी हुई होनी चाहिए थी। तो भार बराबर मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है, पॉइंट याद रखना। एक किलोग्राम द्रव्यमान में कितने न्यूटन भार होता है, यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान 1 kg है, 1 kg द्रव्यमान है तो उसका भार कितने न्यूटन केजी होगा, कितने न्यूटन केजी उसका भार होगा, तो याद रखना लिख लो 9.8 न्यूटन भार होगा उसका, कितना 9.8 न्यूटन भार। अब आपसे ऐसे घुमा फिरा कर पूछ सकता है वो, यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान 5 kg है तो उसका कितना भार होगा, वो तो मैं पूछ रहा हूँ, ये तो मुझे ही पता है, इंटू कर देंगे, आंसर पूछ रहा हूँ। 49 होगा, ठीक है, तो 49 न्यूटन वेट होगा उसका, है ना, ये क्वेश्चन बन सकता है। यदि मान के चलो भार की बात करें धरती पर, तो आपको अभी मैंने बताया था मित्रों की धरती पर जो होता है, धरती कहाँ गई हमारी, घूम गई, अपन नई बना लेंगे, अपन खुद में ब्रह्मा है। देखो तो यहां पर अपन नई धरती बनाते हैं, ये जो धरती है मैंने बताया था कि धरती पर जो विषुवत रेखा है यहां पर इक्वेटर पर क्या होगा, भार कम होगा किसी भी चीज का, और ध्रुवों पर ज्यादा होगा। अब दूसरा क्वेश्चन, ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर आने पर भार में गिरावट आएगी या बढ़ोतरी होगी, कम होगा, विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर भार बढ़ेगा या घटेगा, बढ़ेगा, ठीक है, विषुवत रेखा से दक्षिणी ध्रुव की ओर आने पर भार बढ़ेगा, ये भी ध्रुव है। अब ऐसे ऐसे धरती तो गोल है, कहीं से भी कुछ देख लो, है ना, ऐसा लग रहा है नीचे आ रहा घटेगा, यहाँ से ऊपर की ओर जाने पर भार घटेगा, ठीक है, लॉजिक। चलो अब बात करते हैं न्यूटन भाई साहब की, फिर से आ गया, कब हुआ था न्यूटन का जन्म, वो हमारे न्यूटन साहब नहीं आया आज, क्या नाम था उनका, विवेक, चलो उन्होंने गति के नियम कुछ अधूरे दिए हैं आज पूरे कराते उनसे। तो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम, न्यूटन का जन्म हुआ था 1642 में, 1642 में। न्यूटन का पूरा नाम सर आइजक न्यूटन, पिताजी का उनके नाम सर आइजक न्यूटन। किस न्यूटन का जन्म 1642 में हुआ था, उस वर्ष एक महान वैज्ञानिक की डेथ हुई थी, गैलीलियो गैलीली की, क्या आविष्कृत किया था उसने, किस चीज का आविष्कार किया था, दूरबीन, टेलीस्कोप, है ना। चलो तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं न्यूटन भाई साहब ने पहली बात तो गति के नियम दिए थे, न्यूटन का गति का तृतीय नियम क्या कहता है,
प्रकृति के लिए अद्वितीय नियम क्या कहता है? संवेग संरक्षण के बारे में क्या कहता है द्वितीय नियम में? द्वितीय नियम क्या कहता है? दुष्टों, अभी एक हफ्ता नहीं हुआ आपको पढ़ाया हुआ और आप याद भी नहीं कर पा रहे हो ना पढ़ पा रहे हो, पता है मैं बद्दुआएं देता हूँ आप लोगों को ऐसे में, मतलब ऐसे भर भर के, ठीक है? कल ऐसे वो विश्वामित्र जैसे अंजुरी में जल भर के मारूंगा, जाओ श्राप देता हूँ कोई पटवारी नहीं बनोगे, बचे रहे ना। चलो अगला न्यूटन हेडिंग डालो, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम। बता तो दिया। मतलब बताया पृथ्वी पे ही तो है, हाँ। एक किलोग्राम मैंने बताया कि एक किलोग्राम द्रव्यमान बराबर 9.8 न्यूटन भार होता है, ठीक है? तो यही बस याद रखना। चलो इसमें आप याद रखो, अब अगला हेडिंग डालो न्यूटन के कौन से नियम? गुरुत्वाकर्षण के नियम। यही तो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि ना तो गुरुत्वाकर्षण खो जाए। मैंने बताया था पेड़ के नीचे बैठे थे, सेब आकर गिरा, बोल दिया गुरुत्वाकर्षण। हालांकि ये सब बकवास बातें हैं, बहुत मेहनत की होगी बंदे ने, अपन हल्के में नहीं ले सकते, ठीक है? पहले से भी की होगी, सोच रहे होंगे, तभी तो उन्होंने सोचा कि ये सेब नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया, ठीक है? चलो तो इसमें अगला पॉइंट याद रखना कि न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या है। तो याद रखो एक इन्होंने बुक लिखी थी प्रिंसिपिया ऑफ मैथमेटिका, इनकी एक बुक थी न्यूटन भाई साहब की, प्रिंसिपिया और मैथमेटिका में इन्होंने 1686 में कुछ नियम दिए थे ग्रेविटी से लेकर। तो सर्वप्रथम इन्होंने बताया कि ब्रह्मांड का जो प्रत्येक पिंड है या बिंदु है, खासतौर से जितने भी पिंड हैं, वो एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं, और जिस ये आकर्षण बल है इसी को हम कहते हैं गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्व आकर्षण, ठीक है? जैसे गुरुत्वाकर्षण कहते हैं, तो इन्होंने बताया न्यूटन के अनुसार कि किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल उन पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये तो रटा होगा आपने गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन का 10th-11th क्लास में, ठीक है? तो हमने क्या पढ़ा है कि किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल उन पिंडों के आकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये बिल्कुल रटना है आपको। आपको तो क्या होता है, इस बल का उपयोग क्या है? तो ये बल आपको पृथ्वी से बांधे रखता है, ठीक है? हाँ या ना, बांधे रखता है ना। आप पृथ्वी पर खड़े हो किस बल के कारण? गुरुत्वाकर्षण के बल के कारण, ठीक है? इसी के कारण आप देखते हो कि पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगा पा रही है, इसी के कारण हम देखते हैं कि चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर लगा पा रहा है, ठीक है? इसी के कारण जो है ग्रह के हमारे चारों ओर वातावरण घूम रहा है। अब चांद के चारों ओर वातावरण क्यों नहीं है? हमने देखा पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 है और चांद का कितना है 2.38। इससे तेज हवाएं चलती हैं वहां पर चांद पर, तो हवाएं चलती हैं तो इसके वायुमंडल से बाहर निकल जाती है, इसलिए वहां पर वो नहीं है वायुमंडल। जबकि पृथ्वी के चारों ओर क्या है, एक वायुमंडल है। क्यों? इसका गुरुत्वीय त्वरण इतना ज्यादा है कि पलायन वेग इतना ज्यादा है कि इसकी ग्रेविटेशन फील्ड से हमारा वायुमंडल बाहर ही नहीं निकल पाता है, बाहर निकल ही नहीं पाता है। आई बात समझ में? बस ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। आगे तो याद रखो, हेडिंग डालो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण, ये गुरुत्वाकर्षण का फॉर्मूला दिया था इन्होंने, तो लिख लो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। अब सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जो है वो
क्या कहता है कि इन्होंने दिया था, इसका फॉर्मूला लिख लो पहले, एफ बराबर जी एम वन एम टू स्क्वायर, ऐसा लिखना एफ बराबर जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर, सॉरी स्मॉल आ रहेगा आर स्क्वायर। ये सार्थक गुरुत्वाकर्षण का फॉर्मूला ही आपको रख लेना है। चलो ठीक, तो यहां पर आपको दिख रहा है फॉर्मूले में कि g क्या है, g जो है वो गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, कैपिटल g, स्मॉल g क्या बताता है, बताया था गुरुत्वीय त्वरण बताया था, और ये है कैपिटल g, तो कैपिटल g क्या है, गुरुत्वीय नियतांक कहा जाएगा इसे, इसी को कहा जाता है गुरुत्वीय नियतांक। और गुरुत्वीय नियतांक का मान कितना होता है यदि आपसे पूछा जाए, तो याद रखना कि इसका मान 6.67 into 10 to the power minus 8, 6.67 into 10 to the power minus 8 होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। तो ये होता है जी का मान, ये रख लेना, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा यहां से। गुरुत्वीय नियतांक क्या होता है, क्वेश्चन आएगा एफ जी एम आर, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, आप बताओगे जी, ठीक है, जी का मान कितना होता है, तो 9.667 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 8 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, बस रख लेना। अब एक भाई साहब थे, देखो सबसे पहले क्या चलता था इस धरती पे, समझना, लिख लिया यहां तक, सबसे पहले एक थ्योरी दी थी टॉलमी ने, दैट वाज जियोसेंट्रिक थ्योरी। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी टॉलमी सेड द अर्थ इज द सेंटर ऑफ होल यूनिवर्स, ठीक है, बट आफ्टर सम टाइम केपलर वाज सेड हेलियोस जियोसेंट्रिक थ्योरी इज नॉट अ ट्रू, ठीक है, ही गेव हेलियोसेंट्रिक थ्योरी। अकॉर्डिंग टू हेलियोसेंट्रिक थ्योरी केपलर सेड सन इज द सेंटर ऑफ ओवरऑल सोलर सिस्टम, ठीक है, तो इसमें आपको दो चीजें याद रखनी है, एक जियोसेंट्रिक थ्योरी, जियोसेंट्रिक थ्योरी में क्या कहा गया, जियोसेंट्रिक थ्योरी में कहा गया कि जो अर्थ है वो धरती का केंद्र है, सॉरी पूरे ब्रह्मांड का केंद्र है, धरती पूरे ब्रह्मांड का केंद्र है, लेकिन फिर बाद में कॉपरनिकस आए, कॉपरनिकस ने दूसरी थ्योरी दी, डेट वॉज हेलियोसेंट्रिक थ्योरी। हेलियोसेंट्रिक थ्योरी के अकॉर्डिंग आपको क्या चीज याद रखनी है, इसमें कि सूर्य जो है वो केंद्र है, किसका, सौरमंडल का केंद्र है, थोड़ा और एडवांस हुआ, ठीक है, फिर बाद में एक और भाई साहब आया कॉपरनिकस के बाद केपलर, इन्होंने और इन चीजों में चीजें बताई कि ग्रह एक दूसरे के चक्कर काटते हैं, कैसे काटते हैं, और नियम दिए, तो केपलर ने जो नियम दिए, ये 15वीं शताब्दी की बात कर रहा हूं मैं, आज से 6 साल पहले इन्होंने जो नियम दिए उन्हें कहा गया केपलर के गति संबंधी नियम, और इन्हीं को हमें पढ़ना है, केपलर के गति संबंधी नियम। जब इन लोगों ने ये नियम दिए थे ना, तो उस समय के चर्च द्वारा इन्हें सजाएं सुनाई गई थी कि आप बाइबल में लिखी बातों से उलट क्यों बोल रहे हो, बाइबल में तो लिखा है धरती केंद्र है, आप क्यों कह रहे हो सूर्य केंद्र है, और अब तो हम मानते हैं कि सूर्य भी केंद्र नहीं है, वो भी किसमें है, आकाश गंगाओं में है, गैलेक्सीज में, और ऐसी खरबों गैलेक्सीज है ना, अरबों खरबों गैलेक्सीज, बहुत सारी चीजें हैं, जैसे गीता में एक अध्याय है तीसरा अध्याय, उसमें एक श्लोक है कि ब्रह्मा का एक साल कितना बराबर होता है, तो धरती का कुछ 12,400,000 बराबर होता है ब्रह्मा का एक दिन, और उसमें पूरा बताया है कि ऐसे फिर ब्रह्मा का जो एक दिन होता है ब्रह्मा उस हिसाब से 100 साल जीता है, ठीक है, ब्रह्मा की पूरी उम्र कितनी होती है, विष्णु की एक पलक झपकती है उतने में पूरी ब्रह्मा की उम्र गुजर जाती है, तो उसमें एक पूरी गणना दी है गीता जी, कल ही मैं पढ़ रहा था उसे, मुझे आधा समझ में आया इसलिए मैं आधा बता पा रहा हूँ, तो क्या है कि वो मैं अभी उसे समझ रहा हूँ, अब मैं लेकर जाऊंगा किसी ज्ञानी के पास, मतलब एक दो आध्यात्मिक गुरु हैं तो वो समझा देते हैं चीजें, मैं बोल जाऊँ उसमें कल से कि आखिर ये कैलकुलेशन कहती क्या है, यूट्यूब पे भी सर्च किया लेकिन मिला नहीं, तो कैलकुलेशन बहुत शानदार मुझे लगी, अब मैं उस पर थोड़ा सा काम करूंगा। यहां से पता चलता है कि हम लोग जितना जानते हैं ना वो सब व्यर्थ है ना, सब फालतू की चीजें हैं, पटवारी पटवारी, सब संन्यास वन्यास पे जाओ, पहाड़ों पे बैठो या कहां लगे हो यहाँ पे, ठीक है। चलो यदि सुशील सर ये बात सुन लें तो बोले मेरी कोचिंग खाली तो कराने पर तो ले आप लोग, खैर आगे आना। तो इसमें जो
फर्स्ट थ्योरी दी है उसमें पृथ्वी केंद्र बताया है और सेकंड थ्योरी दी जियोसेंट्रिक। देखो यहाँ पर एक टर्म हमने देखा, सॉरी मैंने थोड़ा ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया क्योंकि आता नहीं है। जियोसेंट्रिक थ्योरी का मतलब जियो अर्थ होता है किसका, पृथ्वी। इसे आप हिंदी में कह सकते हो पृथ्वी केंद्र सिद्धांत। पृथ्वी केंद्रित का क्या अर्थ होता है कि पृथ्वी केंद्र में है। फिर आया हेलियोसेंट्रिक, हेलियो का मतलब होता है सूर्य, इसको आप कह सकते हो सूर्य केंद्र सिद्धांत। ये दिया गया था कब, लगभग 156-157 ईसा पूर्व, मतलब आज से 2100 साल पहले दिया गया था जियोसेंट्रिक थ्योरी। और ये दिया गया है अभी 400-500 साल पहले, ठीक है 1450 के आसपास ये दिया गया कोपरनिकस ने हेलियोसेंट्रिक थ्योरी, ठीक है। तो इसके अनुसार सूर्य पृथ्वी का केंद्र है। आजकल तो हमें कितना कुछ पता है, चांद है, तारे हैं, कौन सी ग्रह कितनी दूर है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर 8 मिनट 20 सेकंड में पहुंच जाता है, फलाना ढिमका, ठीक है। पहले नहीं पता था ना, पहले तो हमने जो कह दिया मान लिया, पहले तो कोई व्यक्ति एक आध छोटी मोटी बात करते और वैज्ञानिक कहलाने लगता था, है ना। हो सकता है इनमें से कोई वैज्ञानिक मैं हूं, अब तो पुनर्जन्म हो गया तो पढ़ा रहा हूं आपको, सब संभावना है। चलो लिखना, तो आपको याद रखना है केपलर ने गति के कितने नियम दिए हैं भाई साहब, 3 नियम दिए हैं जिन्हें ग्रहीय गति के केपलर के नियम कहते हैं। ये 3 नियम कौन कौन से, इन पर हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले लिखो प्रथम नियम, इसे कक्षाओं का नियम भी कहा जाता है, लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। प्रथम नियम, प्रथम नियम कक्षाओं का नियम, लॉ ऑफ ऑर्बिट्स केपलर का प्रथम नियम। ये क्या कहता है कि प्रत्येक ग्रह की अपनी एक निश्चित कक्षा होती है, लेकिन जो ग्रह है ना अब तक हम क्या मानते आए थे, ये भाई साहब कहते हैं बड़े ध्यान से सुनना मेरी बात है, ये कहते हैं कि सूर्य अपनी कक्षा में या जो भी ग्रह है वो अपनी कक्षा में गोल नहीं घूमते हैं, जबकि वो अपनी कक्षा में कैसे घूमते हैं, दीर्घ वृत्ताकार घूमते हैं। इन्होंने कहा कि जैसे ये है सूर्य तो इसके चारों ओर ग्रह घूम रहे है ना, तो ये दीर्घ वृत्ताकार होता है, इसे कहते हैं इलिप्टिकल वे, इलिप्टिकल वे दीर्घ वृत्ताकार। आपने पढ़ा है ना कि सूर्य से पृथ्वी की अधिकतम दूरी, ये अर्थ है, न्यूनतम दूरी 15,22,00,000 किलोमीटर अधिकतम दूरी है, 14 करोड़ 78 लाख किलोमीटर न्यूनतम दूरी है। फिर आप पढ़ते हो 14,94,00,000 किलोमीटर एवरेज दूरी है, तो एवरेज मैक्सिमम मिनिमम ये क्या होता है, आपने पढ़ा होगा ना अपसौर उपसौर, अपसौर मैक्सिमम दूरी, उपसौर मिनिमम दूरी, ये सब चीजें होती है। 3 जनवरी 4 जुलाई सब भूल भाल गए, रहने दो। चलो तो यहां पर प्रथम नियम लॉ ऑफ ऑर्बिट्स क्या कहता है कि जितने भी ग्रह हैं वो जो सूर्य के चक्कर लगाते हैं, ना कि गोलाकार सर्कुलर मोशन पर नहीं लगाते हैं, मतलब गोलाकार पथ पर नहीं लगाते हैं बल्कि कैसे लगाते हैं, दीर्घ वृत्ताकार, इसको इलिप्टिकल पथ कहते हैं, ठीक है। कोई बॉटल देखो पानी, चलो अब इसके बाद लिख लो इसे, देखो सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में परिक्रमण करते हैं, सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में परिक्रमा करते हैं। अब लिखेंगे केपलर का द्वितीय नियम, क्षेत्रफलीय चाल का नियम, काफी मजेदार है ये नियम, क्षेत्रफलीय चाल का नियम, केपलर का द्वितीय नियम। इसे समझना, क्षेत्रफलीय चाल का नियम क्या कहता है, ध्यान देना साथियों, लिख लो क्षेत्रफलीय चाल का नियम। अब यहां पर अपन समझेंगे, ध्यान दो, ये मान के चलो, मानने कोई बुराई किसी को नहीं, थैंक यू, होती भी तो आप मेरा कुछ नहीं कर पाते, मानवा के रहता मैं आपको। यहां पर समझो ये दीर्घ वृत्ताकार पथ है, अभी वो थोड़ा और दीर्घ वृत्ताकार करना पड़ेगा इसे, ये दीर्घ वृत्ताकार पथ है ना। यहां पर है फॉर एग्जाम्पल सूर्य, ये है आपके सूरज दादा, और यहां से यदि एक ग्रह की अपन गति की बात करें तो मान के चलो, हाँ यहां पर समझो कि ये यहां से एक अर्थ यहां से स्टार्ट किया धरती में घूमना,
और फिर 30 दिन बाद धरती कहां पहुंचती है, यहां पर, कितने दिन बाद, 30 डेज बाद। तो उसके द्वारा एक क्षेत्रफल कवर किया गया, यहां से यहां तक जो चली है तो इसको आप क्या कहोगे, ये जो क्षेत्रफल है इसके द्वारा कवर किया गया है ना, है ना। अब दूसरी बात समझना, ये तो पास में है, अब धरती पहले यहां पर है, धरती है यहां पर, और धरती 30 दिन बाद घूमकर कहां पर आ जाती है, यहां पर। तो ये भी कितने दिन में आई यहां से यहां तक, 30 डेज लगे। तो इसके द्वारा भी एक क्षेत्रफल कवर किया गया, हाँ या ना, आप बताओ ज्यादा क्षेत्रफल कौन सा है, भाई साहब दोनों बराबर हैं, दोनों क्षेत्रफल बराबर कहलाते हैं कि ग्रह के द्वारा एक क्षेत्र एक समय में जो निश्चित दूरी तय करने पर जितना ओवरऑल क्षेत्रफल कवर किया जाता है, अगले समय में भी उतने ही समय में उतनी दूरी करने पर उतना ही क्षेत्रफल कवर किया जाएगा, ठीक है। यही तो दूसरा नियम कहता है, तो लिख लो, किसी भी ग्रह को, लिखना पहले हिंदी में, समझा रहा हूं, किसी भी ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा, किसी भी ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा समान समय में समान क्षेत्रफल की दूरी तय करती है, समान समय में समान क्षेत्रफल की दूरी तय करती है, यह नियम कोणीय संवेग संरक्षण का नियम कहलाता है, यह नियम कोणीय संवेग संरक्षण का नियम कहलाता है, संरक्षण कोणीय संवेग संरक्षण का नियम कहलाता है। चलो अब तृतीय नियम, तृतीय नियम लिख लो, इसे तो बस रट लेना है, कोई ज्यादा इसमें समझने लायक चीजें है नहीं, समझा देता हूं फिर भी। देखो केपलर का तीसरा नियम, तीसरा नियम का एक अन्य नाम लिख लेना, इसे परिक्रमण कालों का नियम भी कहा जाता है, परिक्रमण कालों का नियम, क्या होता है कि कोई भी ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, ठीक है। यदि मान के चलते हैं किसी भी ग्रह का सूर्य के चारों ओर का जो परिक्रमण काल रहता है, एक पूरा का पूरा चक्कर लगाता है, और उसकी एक ग्रह से एक निश्चित दूरी है, आया ना, अभी यहां पर है, फिर यहां पर पहुंच जाएगा, तो एक दूरी निश्चित रहती है ना, इसी बेस पर ये परिक्रमण काल का नियम बना है, कि ये कहता है कि परिक्रमण काल का वर्ग, परिक्रमण काल का वर्ग ग्रह की दीर्घवृत्ताकार कक्षा के अर्ध दीर्घ अक्ष के तृतीय घात के बराबर होता है। समझ में आया, कुछ भी समझ में नहीं आया लिखो पहले फिर समझाते हैं। किसी भी ग्रह का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण काल, किसी भी ग्रह का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण काल का वर्ग ग्रह की दीर्घ वृत्ताकार कक्षा के, दीर्घ वृत्ताकार कक्षा के अर्ध दीर्घ अक्ष के, कक्षा के अर्ध दीर्घ अक्ष, अर्ध दीर्घ अक्ष के तृतीय घात के समानुपाती होता है, तृतीय घात के समानुपाती होता है। इसका फॉर्मूला लिख सकते हो टी स्क्वायर इक्वल टू आर म्यू, इसका जो क्यूब है तो टी की घात दो और आर की घात तीन, टी स्क्वायर और आर क्यूब, तो ये लगा लेना। अब यहां पर टी क्या है, हाँ परिक्रमण काल है, टी मतलब टाइम लगेगा परिक्रमण काल, तो टी है आपका परिक्रमण काल, जैसे धरती का परिक्रमण काल कितना है, कितना है भाई,
365 डेज है ना परिक्रमण काल, ठीक है। और इसका जो व्यास है वो कितना है, सूर्य के चारों चक्कर लगाती, व्यास नहीं निकालना, जो अर्ध वृत्त, सॉरी ये क्या है, दीप्तिकल पथ कहलाता है, वृत्ताकार मार्ग कहलाता है। अब वृत्तमान पथ पर धरती घूम रही है, तो इससे हमने कहा यहां से लेकर यहां तक का, इससे हमने कहा यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाएगा, अक्ष, ये इसका अक्ष है ना, तो यहां से यहां तक का जो है उसकी अर्धअक्षीय दूरी का त्रिघात निकालना है आपको, अर्धअक्षीय दूरी का त्रिघात निकालना है। त्रिघात क्या कहलाएगा, इसी समीकरण को उन्होंने किस नाम से दिया है, परिक्रमण कालों का नियम कहा है। कुछ नहीं रखना, डायरेक्ट रख लो टी स्क्वायर इज इक्वल टू आर त्रिघात, बस हो गया, यही पूछा जाएगा फॉर्मूला, ठीक है। या पूछा जाएगा तृतीय नियम किससे संबंधित है, ग्रहों की परिक्रमा से संबंधित है, उत्तर रट लोगे, ठीक है। चलो, तो जो ग्रह सूर्य से जितनी अधिक दूरी पर होगा, सिंपल सी बात है, उस पर परिक्रमण काल उतना ज्यादा होगा, ये बताने का प्रयास किया उन्होंने। ग्रह पास है तो जल्दी जल्दी घूम लेगा, ग्रह दूर है तो टाइम लगेगा। जैसे आपने देखा होगा कि जब रनिंग वगैरह कराई जाती है मिलिट्री मिलिट्री में, तो ऐसे चार पांच वो रहते हैं ट्रैक रहते हैं दौड़ने के लिए। अब इस ट्रैक पर आप दौड़ोगे, इस ट्रैक पर आप दौड़ोगे तो आप जल्दी कवर कर लोगे, और इस पर दौड़ोगे तो टाइम लगेगा ना, क्योंकि दूर से दौड़ रहे हो, ज्यादा वो आपका वो बन रहा है क्षेत्रफल कवर कर रहे हो आप, ज्यादा त्रिज्या हो जाएगी। तो ऐसी कंडीशन में आप पास से दौड़ते हो, जब भी किसी को काटना होता है तो यहां से नहीं काटने देते हो, राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड से, क्या बोलेंगे, राइट हैंड साइड से आपको क्रॉस करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड से करोगे तो फॉल माना जाता है। बहुत सारे नियम है ना, थोड़े बहुत मूवी में देखे होंगे, भाग मिल्खा भाग देखी है। चलो, तो लिखना, मतलब सीधी सी बात ये हमने समझ ली इससे कि जो ग्रह सूर्य से जितने ज्यादा दूर है वो उतना ज्यादा समय लेगा परिक्रमा करने में, जो जितने पास है वो उतना कम समय लेगा, सिंपल एज दैट। चलो अब एड इन डालो द्रव्यों के यांत्रिक गुण, सबको समझ में आ रहा है, किसी को दिक्कत, आपको ये कंफ्यूजन हो रहा है ये कैसे हो सकता है, आपको ये ज्यादा लग रहा है, क्यों हो गया ज्यादा, नहीं ड्रॉ तो ऊपर नीचे हो गया होगा, नियम कहता है दोनों बराबर होंगे, आपको देखने में भी ऐसा लग रहा है कि ये कम होना चाहिए ज्यादा होना चाहिए, ऐसा लग रहा है, क्यों होगा, देखो इसकी तो लंबाई भी ज्यादा है ना, किसी का खेत इतना है, ठीक है, ये एक व्यक्ति का खेत है, दूसरे व्यक्ति का खेत इतना है, अब आप कहोगे ये किसका ज्यादा है किसका कम है, दोनों का इक्वल है ना, नहीं आ रहा समझ उसमें से, यदि आप समझना चाह रहे हो, मैं ये बता रहा हूँ कि ग्रह जो है यदि 30 दिन में यहाँ से यहाँ तक की गति कर रहा है और जितना क्षेत्रफल कवर करेगा, और अगले 30 दिन में भी यदि कहीं से स्टार्ट करके कहीं पर खत्म करता है लेकिन 30 दिन ही गति करता है, तो उसके द्वारा जो क्षेत्रफल कवर किया जाएगा वो इक्वल होगा इसके इक्वल, बस इतना आपको समझना है, टाइम बराबर लग रहा है, स्पीड एक सी है, डिस्टेंस के हिसाब से ग्रेविटेशनल फोर्स एक सा है, पास है तो ज्यादा आगे निकल जाएगा लेकिन क्षेत्रफल इक्वल कवर किया जाएगा। चलो अब इन आलू द्रव्यों के यांत्रिक गुण, काइनेटिक जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और लिक्विड उसको हम समझेंगे। तो पहला लिखना, ये शायद पढ़ा दिया क्या मैंने आपको, नहीं पढ़ाया, पहला लिख लो इसमें केसी तत्व, कैपिलरीज पढ़ेंगे इसमें, केसी कहाँ है, केसी का क्या होती है कैपिलरी, ये प्रयोगशाला में एक कांच की नली होती है बहुत पतली, जितना पतला आपका बाल होता है ना, तो बाल के ब्याज जितनी पतली होती है केसी का नली, ठीक है। उस नली में क्या विशेषता होती है कि मान के चलो ये आपने एक वाटर पॉट लिया और इसमें ये पानी भरा है, मान लेते हैं भरा है, इसमें आपने एक केसी का नली डाली, थोड़ा मोटा कर लेते हैं जूम करके, इसमें पानी भरना शुरू होगा, यहाँ से नीचे से पानी आना शुरू होगा, अब यहाँ तक तो पानी भरा है लेकिन इसमें कहाँ तक भर जाएगा, ऊपर तक भर जाएगा, तो यही केशिका क्रिया कहलाती है, ये नली कहलाती है केशिका नली, तो इसी को हमें समझना है, ठीक है। तो केशिका लिखो, केशिकत्व हेडिंग डाल लो, लिख लो शीशे की बनी संकीर्ण केश नली में द्रव के ऊपर चढ़ने, शीशे की बनी संकीर्ण केश नली में
द्रव के ऊपर चढ़ने अथवा नीचे उतरने की घटना को केशिकत्व कहते हैं। द्रव के ऊपर चढ़ने अथवा नीचे उतरने की घटना को केशिकत्व कहते हैं। केशिकत्व के लिए असंजक बल जिम्मेदार है। केशिकत्व के लिए असंजक बल कौन सा होता है? असंजक समझाया था, ससंजक और असंजक। हाँ एग्जाम्पल याद है, ये नहीं पता परिभाषा क्या थी, लिख लो। एच स्मॉल एच इज इक्वल टू 2t cos theta r dz। फॉर्मूला लिख लेना इसका, केशिका क्रिया का होता है, रट लेना। आर जो है ना वो केशिका नली की त्रिज्या है और डी जो है वो वहां पर द्रव्यमान का घनत्व। टी बराबर अपन ने देखा तो ये पृष्ठ तनाव होता है, सरफेस टेंशन, और एच बराबर होता है उसकी द्रव की ऊंचाई। चलो ससंजक बल मैंने बोले नहीं, असंजक बोला था। लिखो असंजक बल जिम्मेदार है, केशिकत्व के लिए असंजक बल जिम्मेदार है। असंजक बल में क्या समझाया था मैंने आपको? मैंने बताया था कि असंजक बल वो होता है जो दूसरे पदार्थ के अणुओं के मध्य लगता है, भिन्न भिन्न पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाला असंजक बल, और एक समान अणुओं के मध्य एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाला बल ससंजक। जैसे पानी के अणु पानी चिपके होते हैं, ससंजक बल इसी से सरफेस टेंशन रिलेटेड होता है। लेकिन पानी के अणु कांच से चिपक रहे हैं तो असंजक बल, चिपकते ऊपर जा रहे हैं ना, पानी तो यहां तक भर रहा है लेकिन पृष्ठ तनाव कम होने के कारण इस पर पानी का प्रेशर ज्यादा पड़ रहा है, इस पर ऊपर की ओर आ रहा है ये, है ना। तो ये ग्लास से चिपक रहा है पानी, पानी के कण अलग हैं और ग्लास के कण अलग हैं, अणु दोनों आपस में चिपक रहे हैं, इनके बीच में कौन सा बल? असंजक बल। असमान के बीच में असंजक और समान के बीच में ससंजक, ऐसे याद रखेंगे। चलो तो इसमें लिखना, अब देखो क्या होता है कि पृष्ठ तनाव अधिक होने पर जितना ज्यादा पृष्ठ तनाव होगा उतनी ज्यादा ऊंचाई होती है केशिकत्व में, है ना। ये पॉइंट भी आप याद रखना। यदि इसमें क्या होता है स्पर्श कोण कम होगा तब भी ऊंचाई अधिक होगी। स्पर्श कोण वगैरह क्या होते हैं वो अभी समझाता हूं मैं आपको इसमें। चलो मान के चलो केशिका नली की त्रिज्या कम है, केशिका नली जितनी ज्यादा पतली होगी पानी उतना ज्यादा ऊपर चलेगा, केशिका नली जितनी ज्यादा चौड़ी होगी पानी उतना कम ऊपर चलेगा, ठीक है। केशिकत्व बहुत सारी चीजें, देखो क्या होता है, कई बार आप देखते हो पेड़ पौधे जो जमीन से पानी खींचते हैं केशिका क्रिया से, ये चीजें होती है। यदि नहर है तो आसपास की जो मिट्टी होती है वो कैसी हो जाती है? बीच में नहर है और आसपास की मिट्टी क्षारीय हो जाती है, सब केशिका क्रियाओं का कारण होता है ना। आपकी बॉडी में कैपिलरीज होती है, केशिकाएं होती है पतली पतली, नसें होती हैं तीन प्रकार की नसें, आर्टरीज होती हैं, वीन्स होती हैं और कैपिलरीज होती हैं, धमनी सह और कैपिलरीज केशिकाएं। तो ये सब केशिका क्रिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है आपकी लाइफ में हर एक समय। एग्जांपल एग्जांपल क्या होता है भाई केशिका क्रिया का? केशिका क्रिया का उदाहरण क्या होता है? आपने लालटेन जलाई है घर पे चिमनी, वेरी गुड। तो क्या होता है चिमनी जलाने से? उजाला, लालटेन या लैंप जो है वो चलती है तो उसमें पानी कहां, मतलब मिट्टी का तेल कहां भरा रहता है? देखो अपन चिमनी बनाते हैं, ये कुत्ता छाप लाल का पौआ, इसमें अपने भर दिया मिट्टी का तेल, इसमें लगा दिया कॉटन की बाती, ये लगा दिया ढक्कन, इसको थोड़ा सा कोई ऐसे मेरे जैसा वैज्ञानिक आदमी इसमें दिमाग लगाता था तो मैं क्या करता था, साइकिल का जो ट्यूब रहता है ना उसकी पिन निकाल के इसमें लगा देता था तो ये लंबी चलती थी, ढक्कन जरा मुंह के खराब हो जाता था, स्लिप करने लगता था तो साइकिल की जो बॉल पिन रहती है ना उसे निकाल लेते थे और ढक्कन में लगा देते थे तो वो फिर जो बत्ती थी वो जलती थी किससे? ऊपर, ऊपर जलती थी, ढक्कन गर्म पड़ के उसकी चूड़ी स्लिप नहीं होती थी तो मिट्टी का तेल नहीं गिरता था नीचे। अब ये जल रही है लेकिन तेल तो यहाँ भरा है ना, यहाँ कैसे जल रही है? केशिकत्व के कारण जो तेल है ऊपर की ओर पहुंच रहा है, ये पॉइंट आपसे पूछ लिया जाता है, ठीक है। चलो फाउंटेन पेन की जो है उसकी निप पर से आई वो फाउंटेन पेन देखा है, लगा लगा कर लिखते हैं तो वो भी केशिकत्व के। पहले क्या होता था, पहले के राजा महाराजा एक बॉक्स में क्या रखते थे? स्याही, और मोर पंख से लिखते थे। अब जो मोर पंख होता था तो मोर पंख पर वो डुबाते थे इसमें, तो यहाँ पर भी स्याही इतना डुबोया और यहाँ तक चढ़ जाती थी स्याही,
और फिर वो लिखते थे आधी लाइन एक लाइन लिख लेते थे पूरी की पूरी, है ना। ऐसे मैं राजस्थान गया था तो मैंने ये देखा था, एक जगह है जहाँ पे पूरा का पूरा म्यूजियम टाइप है तो बताते हैं सब चीजें। तो यहाँ पर ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी कि पहले के राजे रजवाड़ों में चीजें होती थी, लोग कैसे सीखे होंगे चीजें। चलो अगला, पौधों में जल का ऊपर चढ़ता है, जाइलम फ्लोएम होते हैं। तो फ्लोएम तो वो देते हैं फूड, खाना पहुंचाते हैं जड़ों तक, और जाइलम जड़ों से पानी पहुंचाते हैं पत्तियों तक। तो ये किस क्रिया के द्वारा, किसकल्प क्रिया के द्वारा, है ना। यदि मान के चलो आप जानते हो आपके सूती कपड़े पर पानी की बूंद पड़ जाए तो पानी की बूंद फैल जाती है, किस कारण से, केशिका क्रिया के कारण, ठीक है। चलो यदि आप जानते हो कि जो खेत जुते हुए नहीं होते हैं वो जल्दी सूख जाते हैं, या खेत जुतने के बाद जल्दी सूखते हैं, जुतने के बाद जल्दी सूखते हैं, तो बिना जुते हुए खेत जल्दी नहीं सूखते, जुते हुए खेत जल्दी सूख जाते हैं, ऐसा समझ पा रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ। दो चीजें समझो, खेतों को जोता क्यों जाता है पता है, उसके कई सारे रीजन। एक तो जब क्या होता है, पानी पीते जाओ, क्या होता है, एक तो ये समस्या आती है कि जब आप फसल बोते हो ना, जड़ों से केशिकाएं बन जाती हैं जमीन से नीचे से, तो नीचे लगातार पानी ऊपर आता रहता है तो खेत जल्दी नहीं सूखता है ना, इवेपोरेशन होता रहता है पानी का। तो जब खेत को जोता जाता है तो केशिकाएं टूट जाती हैं, तो खेत जल्दी सूख जाता है और पानी का इवेपोरेशन भी कम होता है ना। तो जोतने के कई वो चीजें हैं, एक तो मिट्टी को पलटना, भुरभुरी करना उसे, लेकिन क्यों करना, क्योंकि लगातार इवेपोरेशन होता रहेगा तो मिट्टी वो कड़क रहेगी, फिर आप उसमें बोनी वगैरह कैसे करोगे चीजों की। तो बहुत सारी चीजों के पीछे साइंस है। अगर हम डालते हैं सरफेस टेंशन पृष्ठ तनाव, क्या एग्जांपल समझ में आ गया, लिखाने की जरूरत तो नहीं है, काफी समझदार है आप लोग, थैंक यू। चलो इस पे आगे लिखना, पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन, क्या होता है सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन जो होता है ये होता है ससंजक बल के कारण, ये पानी भरा है, ठीक है, पानी भरा हुआ है, सर्दियों में पानी से वैसे डर लगता है आप लोगों को, इस पर नाव तैर रही है क्योंकि पानी का अड़ुओं को दूर करने का प्रयास कर रही है, लेकिन पानी कर बोल रहा है ना सिमरन ना, मैं तुझे ना जाने दूंगा, वो पकड़े हुए हैं, ठीक है। पानी के अड़ुओं के बीच में एक बल है जो एक दूसरे को जोड़े हुए है, उस बल को क्या कहते हैं, ससंजक बल कहते हैं। और इसी ससंजक बल के कारण अब जितना चौड़ा होगा कोई भी पदार्थ तो उतना ज्यादा पानी हटाएगा, ज्यादा पानी हटाने के लिए ज्यादा ताकत चाहिए रहेगी, उतनी ताकत है नहीं तो ये नाव तैरती रहेगी। पृष्ठ तनाव है ना, कई चीजों लगता है, नाव किस कारण से तैर पाती है, पृष्ठ तनाव के व्यक्ति किस कारण से तैर पाता है, पृष्ठ तनाव के कारण से। सूप, गर्म सूप आपको पीने में स्वादिष्ट लगता है बजाय कि ठंडे सूप के, गरम चाय पीने में अच्छी लगती है बजाय कि ठंडी चाय के, क्यों, गरम चाय मुंह में जाती है तो फैलती है पूरे मुंह में, गरम सूप मुंह में फैलता है पूरे मुंह में फैलता है तो अच्छा स्वाद आता है, ठंडी चाय कम फैलती है। ये क्वेश्चन यदि पूछ लिया जाता है नॉर्मली कि गरम चाय किस कारण से आपको अच्छी लगती है तो कोई का दिमाग फेस पे नहीं जाता, कोई कहता है गरम चाय अच्छी लगती है क्योंकि उसमें अदरक मदरक बढ़िया लगे जो गुड़ पीट के डालो मजा आ जाता है, नहीं भाई साहब, पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन के कारण गर्म चाय अच्छी लगती है, ठंडी चाय अच्छी नहीं लगती है। अब कोई दुष्ट आत्मा हो जैसे ठंडी अच्छी लगती हो, चाय ठंडी करके पीता हो तो वो बोलेगा नहीं है, रॉन्ग नंबर लगाया उसका। चलो देखो पृष्ठ तनाव में परिभाषा लिखता हूं, द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ में कम से कम, द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ में, स्वतंत्र पृष्ठ में कम से कम क्षेत्रफल प्राप्त करने का गुण होता है। आप किसी चीज में पानी भरते हो तो मिनिमम एरिया कवर करता है, ऐसा नहीं कि आधा पानी यहां डाला है बर्तन में आधा वहां डाला है लेटा है आराम से, आधा बाजू वाले बर्तन में चला गया उठ के, ऐसा होता है क्या, कम से कम जगह में आना चाहता है द्रव, है ना, बिल्कुल पास पास एक एक कण पास पास, पानी पूरा एक ही उसमें तो भरा रहता है। तो लिखना कि द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ में कम से कम क्षेत्रफल प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है जिसके कारण पृष्ठ सदैव तनाव की स्थिति में होता है, जिसके कारण पृष्ठ सदैव तनाव की स्थिति में होता है, पृष्ठ सदैव तनाव की स्थिति में होता है, इसे ही पृष्ठ तनाव कहते हैं।
ठीक है, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं किसी द्रव के मुक्त पृष्ठ क्षेत्रफल पर खींची गई काल्पनिक रेखा की प्रति एकांक लंबाई पर लंबवत कार्य कर रहे बल के बराबर होता है। इससे अच्छा पहली बारी बात है ना, ठीक है चलो इसका लिख लो। प्रस्थानाप बराबर क्या होता है, एफ बराबर आई, मात्रा को लिख लेना न्यूटन प्रति मीटर, इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर, प्रस्थानाप बराबर कहा जाता है एफ आई। चलो अब क्या होता है कि देखो इसके कुछ उदाहरण, जैसे कि बारिश की बूंदें गोल होती हैं, आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बारिश की बूंदें गोल क्यों होती हैं, वही ना पानी कम से कम जगह गिरना चाहता है, पास पास आता है, पास पास आएगा तो अपने आप को पूरा कवर करके रहेगा, तो उसमें एक टेंशन होगा, तनाव होगा, उसी को पृष्ठ तनाव कहते हैं। तो पानी की बूंदें गोल होती हैं, इसी पृष्ठ तनाव कहते हैं, पृष्ठ तनाव के कारण होता है। एक पतली सी सुई भी आप पानी पर तैरा सकते हो, सावधानी से उसे उस पर रखो, पतली सी सुई भी पानी पर तैर जाती है ना, तो किसके कारण तैरती है, पृष्ठ तनाव के कारण, नाव तो तैरती है वो तो हमें पता ही है, ठीक है। आपको पता है कि जो तेल का सरफेस टेंशन होता है वो पानी की अपेक्षा बहुत कम होता है, ठीक है। तो मलेरिया का जो प्लाज्मोडियम होता है परजीवी, वो क्या करता है, गंदे पानी पनपता है, तो बरसात में हम आसपास भरे हुए पानी में मिट्टी का तेल डाल देते हैं, उससे पानी का सरफेस टेंशन कम हो जाता है, और जो मलेरिया का लार्वा या मच्छर आकर पानी पर बैठ रहा था तो सरफेस टेंशन के कारण डूब नहीं रहा था, तेल डालने से उस पानी का सरफेस टेंशन कम हो गया, डूब के मर जाता है, इसे कहते हैं मच्छर की मौत मरना, ठीक है। चलो तो यहां तक ये चीजें हैं, अब आप लोगों को किसी कोई डाउट हो तो आप पूछो। अगला हेडिंग डालो इसमें आप दाब, दाब प्रेशर, सरफेस टेंशन समझ में आ गया साथियों, ठीक है दाब हेडिंग डालेंगे। अब ये अपन रिवाइज करते हैं, दाब और पढ़ने फिर अपन रिवाइज करते हैं, फिर इसके बाद अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, है ना। नेक्स्ट क्लास कब है, इसी मंगलवार को, ट्यूजडे को रहेगी, नहीं मतलब साइंस की नेक्स्ट क्लास ट्यूजडे को रहेगी, इसके बाद कौन सी है, एमपी मेरी कौन सी है, एमपी है ना, कल है परसों, कल कल है, फिर उसके बाद कंप्यूटर को रहेगी, इस फ्राइडे कंप्यूटर लिया नहीं अपन ने, थोड़े से बाहर थे, कोई बात नहीं, लेकिन आप किसी दाब लिखो, दाब क्या होता है, प्रेशर, प्रेशर जानते हो, किसी चीज को अपन दबाते हैं तो उस पर लगा ये दाब, मैं इस हाथ से इस हाथ को दबा रहा हूं तो उस पर दाब लग रहा है, दाब मतलब किसी एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला जो बल होता है उसे आप दाब कहते हो। लिख लो, किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लंबवत लगने वाले बल को, किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लंबवत लगने वाले बल को दाब कहते हैं, ठीक है। फॉर्मूला लिख लो, P बराबर एफ ए, एरिया कितना प्रेशर लगेगा एकांक क्षेत्रफल, ठीक है। तो मतलब पृष्ठ पर लंबवत बल होता है कौन सा, एफ, और ए मतलब क्या होता है, पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो ए का मतलब है पृष्ठ का क्षेत्रफल एरिया, और एफ का मतलब पृष्ठ पर लगने वाला लंबवत बल कितना फोर्स लग रहा है, इसी को हम कहते हैं प्रेशर, पी बराबर एफ अपॉन ए, ये आप याद रखना। दाब का मात्रक क्या है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर लिख लेना, मात्रक या पास्कल भी कहते हैं इसे, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या आप कह सकते हो अथवा पास्कल, लड़कियों को पास्कल तो नहीं सुनाई दे रहा, राशि में कौन सी राशि है, ये अदिश राशि, लिख लो अदिश राशि है, ठीक है। चलो अब आपके द्वारा जो दाब लगाया जा रहा है, नियत बल, एक नियत बल है, अब क्षेत्रफल जितना कम होगा तो दाब ज्यादा होगा या घटेगा, क्षेत्रफल कम होगा दाब का मान बढ़ेगा, है ना। अब अपन इस टेबल पर यदि वजन लगाएं पूरा का पूरा, तो दाब
उतना ही नियत बल लगा रहा हूँ ना मैं, तो इस पर दाब कम लग रहा है। लेकिन यदि मैं एक ऐसे लकड़ी को उठाकर इस पर इतना ही वजन लगाऊं, तो इस लकड़ी पर खड़ी रहेगी, क्षेत्रफल कम जाएगा, ज्यादा वजन लगेगा ना, इवन ये जमीन में धस भी जाएगी, तो क्षेत्रफल कम होने पर दाब का मान बढ़ता है, याद रखना। चलो उदाहरण के लिए यदि हम क्या करते हैं, नुकीली कील ठोकते हैं ना दीवार में, नुकीली कील ठोकते हैं, आसानी से ठोक देते हैं, यदि उसमें नुक है क्षेत्रफल कम गया, यदि उसमें नुक नहीं हो तो कई कील ऐसी आती है नुक नहीं होती, वो फिर पूरा नौरा फतेह अली खान का डांस करने लगती है, ऐसी ऐसी होने लगती है ना। ठीक है, कहाँ है नौरा दही अभ्यारण्य? सागर में है, छिंदवाड़ा में कौन से है? पेश, वेरी गुड। और फेन कहाँ है? मंडला, क्या खुश हो गया मेरा दिल, सब कुछ आए बुलाऊंगा अपनी तरफ से, ऐसे ही बस सिलेक्शन के बाद, ठीक है आप लोगों से लूंगा पार्टी। अरे मैं बना दूंगा खुद से, हाथ से बना के बुलाऊंगा, इतना बड़ा सौभाग्य, ब्रह्मा जी को नहीं बुलाई मैंने, आपको बुलाऊंगा, सोचो ब्रह्मा जी मिले ही नहीं अपन को कैसे बुलाते। चलो अब रिवीजन करते हैं, यहाँ तक सब समझ में आ गया? क्योंकि ज्यादा यदि और इसके बाद खींचा गया आपको तो आप लोग सुसाइड करने की स्थिति में आ जाओगे, वो मैं नहीं चाहता। राम न मारे काऊ को, पापी नहीं है राम, और आपों से मर जाते हैं कर कर खोटे काम, तो आप लोगों को मानने का जोखिम मैं नहीं लूंगा। सबसे पहले क्या पढ़ा था अपन ने इसमें? बहुत पढ़ लिया यार, गुरुत्वाकर्षण पढ़ा था। अरे वो तो निपटा दो, चैप्टर वो खत्म हो गया, दूसरी एडिंग करवाई थी ना, ठीक है। तो गुरुत्वाकर्षण में मैंने बताया, गुरुत्वाकर्षण सबसे पहले इसको क्या कहा जाता है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण। क्यों? क्योंकि संसार में सभी जगह ये बल काम करता है, ठीक है। मूल प्रकृति क्या है इसकी? आकर्षण करना या विकर्षण। आकर्षण का पर्यायवाची क्या होता है? विकर्षण। हिंदी भी आएगी ना पटवारी में, याद रखना कुछ चीजें आपको ऐसे। अज्ञ, अज्ञ का क्या होता है? विलोम, विज्ञ होता है। कुछ लोग अनज्ञ लगा देते हैं, उल्टा सीधा, तो ये बहुत ज्यादा पढ़ लेना, दो तीन क्वेश्चन तो आते ही हर बार, ठीक। चलो अगला, आकर्षित का विकर्षित, इसका क्या मैंने लिखाया था? न्यूटन प्रति किलोग्राम। किसका है? गुरुत्वीय त्वरण का। गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है? जब कोई वस्तु पिंड से धरती की ओर गिर रही होगी तो उसके वेग में जो परिवर्तन आएगा उसे गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, इसे स्मॉल जी से दर्शाया जाता है। क्या लिखाया था? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, इसका मात्रक होता है, या न्यूटन प्रति किलोग्राम। सदिश राशि है, यदि पृथ्वी पर जी का मान कितना मैंने बताया था? 9.8 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। चलो धरती पर जी का मान ज्यादा है, मून पर इसका मान कम होगा, इक्वेटर पर जी का मान कम होगा और ध्रुवों पर ज्यादा होगा। इक्वेटर से ध्रुवों की ओर मान बढ़ेगा, ध्रुवों से इक्वेटर की ओर आने पर मान घटेगा, ठीक है। पलायन वेग हमने चर्चा की थी कि धरती के गुरुत्वाकर्षण बल से किसी वस्तु को बाहर फेंकने के लिए मिनिमम एक आपको वेग की आवश्यकता होती है, उसे पलायन वेग कहते हैं। तो 11.2 है धरती का, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड नहीं, किलोमीटर प्रति सेकंड। और चंद्रमा का कितना है? 2.38, ये आपको याद रखना है, पलायन वेग, ठीक है। चलो इसके बाद हमने पढ़ा था लिफ्ट में, मैंने आपको बताई थी चीजें, लिफ्ट ऊपर जाएगी तो भार आपको बढ़ा हुआ प्रतीत होगा, नीचे आएगी भार घटा हुआ प्रतीत होगा, लिफ्ट लगातार त्वरित होकर ऊपर जाएगी, वेट बढ़ता जाएगा, और लगातार लिफ्ट नीचे आते समय अपनी स्पीड बढ़ाएगी तो आपको वेट लगातार हल्का होता हुआ महसूस होता जाएगा। लिफ्ट एकदम से रुकेगी तो आपको वेट अचानक वृद्धि लगेगी, लिफ्ट एकदम से ऊपर जाएगी तो वेट में अचानक से उल्टा हो गया, लिफ्ट यदि अचानक से ऊपर जाएगी तो आपके वेट में क्या होगा? अचानक से बढ़ेगी, और लिफ्ट अचानक से नीचे आएगी तब भी आपका वेट क्या होगा? बहुत ज्यादा हल्का लगेगा आपको, ठीक है। चलो अब बात करते हैं द्रव्यमान की, तो किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप, उड़ के हो गया, उसके जड़त्व की माप होता है, ठीक है। मास स्थाई होता है, चंद्रमा पर चले जाओ, धरती पर, मंगल पर, सूरज पर, सूरज में ध्यान नहीं बचोगे। भार क्या है? वजन है, वह बल जिससे वह पृथ्वी की ओर आकर्षित होता है। द्रव्यमान पर यदि कोई बल लगाए जाए जिससे वो पृथ्वी की ओर आकर्षित हो रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे? भार कहेंगे। न्यूटन, एक किलोग्राम द्रव्यमान का भार कितना होता है? 9.8 न्यूटन भार। 5 किलो का कितना होगा? 49। 10 किलो का कितना होगा? 98, ठीक है, याद रखना, याद नहीं मतलब फॉर्मूला निकाल लेना। चलो भार बताया था, ध्रुवों पर आपका भार बढ़ेगा और भूमध्य रेखा पर कम होगा। ध्रुव, यदि आप जाते हो, मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना, एक एक शब्द, यदि आप इक्वेटर से
ध्रुवों की ऊर्जा आते हो तो आपका जो द्रव्यमान है वो घटेगा या बढ़ेगा? दुष्टों, मैंने कहा था द्रव्यमान पहले कहता था, पहले कहा था कि आपको सुनना है एक शब्द क्या बोल रहा हूँ, द्रव्यमान में परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, कल अपना कमंडल लेकर आऊंगा। ठीक है, मैं ऋषि राजीव गौरव तुम्हारी दुष्टता पर तुम्हें श्राप देता हूँ, पढ़ के आना नेक्स्ट क्लास। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम पढ़ लिए हमने सारे नियम, चलो बार बार बोल रहे हैं ना, सिलेक्शन होगा होगा, टेंशन मत लो। सार्वजनिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक क्या बताया था फॉर्मूला, एफ बराबर जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर, रट लेना ये। ठीक है, गुरुत्वीय नियतांक कितना होता है तो 6.67 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 8 फिर न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, टॉलमी ने जियोसेंट्रिक थ्योरी दी, कॉपरनिकस ने हेलियोसेंट्रिक थ्योरी दी, केपलर ने तीन नियम दिए ग्रह संबंधी, ये अपन ने देख लिया। पहला नियम क्या कहता है इसका, पहला नियम क्या कहता है कि ग्रह जो है वो इलिप्टिकल वे में घूम रहे हैं दीर्घवृत्ताकार में। दूसरा नियम क्या कह रहा है, क्षेत्रफलीय चाल का नियम, एक निश्चित समय में जितनी दूरी तय की जाती है उसी अगले कुछ समय अंतराल बाद भी यदि उसी निश्चित समय में कुछ दूरी तय की जाए दोनों का क्षेत्रफल इक्वल होगा। कोणीय संवेग संरक्षण का नियम भी कहते हैं इसे, परिक्रमण काल का समय, सीधी सी बात है जो ग्रह पास होगा घूमने में कम समय लेगा, जितना दूर होगा घूर्णन में ज्यादा समय लेगा। टी स्क्वायर बराबर आर त्रिकाल बताया था, ये लिखा है परिक्रमण काल। द्रव्यों के आंतरिक गुण हमने केशिकत्व देख लिया, केशिका बाल जितना पतला एक परख नली होती है, कितनी पतली होती है बाल जितनी पतली होती है, इसका फॉर्मूला क्या लिखा है, एच बराबर टू टी कॉस थीटा अपॉन आर डी जी। ठीक है, चलो केशिका में पृष्ठ तनाव हमने पढ़ा, पृष्ठ तनाव पूरा भी अभी समझा है और उसके बाद हमने पढ़ा दाब। अब इसमें किसी कोई डाउट हो तो पूछ लो, मेरी तरफ से आज इतना काफी है। ठीक है, तो अपन नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।